जनाब कैसे हैं आप लोग? Welcome to yet another exciting episode of Time Out with Ehsan Khan. I hope everyone is doing well. जबरदस्त feedback मिल रहा है. बहुत शुक्रिया. Thank you very much. I hope we can even get better. Definitely. एक बात होता है कि जो जो आपके फेवरेट लोग हैं अभी तक तो हम उन्हीं को बुला रहे हैं यहाँ पे. तो इंशाल्लाह आज भी आपके फेवरेट लोग आएंगे. लेकिन आज का शो है जरा स्पेशल क्योंकि आज के शो में कुछ भी हो सकता है. शादी हो सकती है, काला जादू हो सकता है, सेट पे जिन आ सकता है, तावीज धागे हो सकते हैं, अमलियात हो सकते हैं, कोई शो छोड़ के जा सकता है और कोई आ सकता है, कोई छापा मार सकता है, किसी का भी स्कैंडल बन सकता है. एक मिनट, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं मॉर्निंग शोज की. और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे बहुत स्पेशल, वो कहते हैं जो मॉर्निंग शो की क्वींस. सो टुडे वी हैव इनवाइटेड योर फेवरेट एंड आवर फेवरेट ऐसी खवातीन जिनको आप रोज देखते हैं, जब चैनल ऑन करते हैं तो वो मौजूद होती हैं आपके सामने सुबह सुबह आपका दिन अच्छा करने के लिए. वैसे जनाब एक वक्त था जब मॉर्निंग शोज को लुक अप टू करते थे लोग. यानी तारड़ साहब का हम शो देखते थे, अगर बचपन में कभी किसी ने देखा है या किसी को याद है तो आई थिंक उसमें बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट कार्टून होता था. फिर उसमें न्यूज़ होती थी, इन्फॉर्मेशन होती थी, एंटरटेनमेंट होती थी, अच्छी बात होती थी, कुछ सिखाया जाता था. और फिर लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि आजकल के मॉर्निंग शोज जो हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, उसमें ये है वो है और पता नहीं क्या क्या है. तो जनाब आज हम इसी टॉपिक पे बात भी करेंगे कि ये चक्कर क्या है भाई, क्या हो रहा है. और आज की मेरी जो दो स्पेशल मेहमान हैं वो सिर्फ मॉर्निंग शो नहीं करती, और शोज भी होस्ट करती हैं, उसके साथ साथ एक्टिंग भी करती हैं और जबरदस्त कमाल एक्टिंग करती हैं. तो जनाब मिलवाएंगे इनसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. Now, welcome back, time out with Ehsan Khan. आप देख रहे हैं और आज जैसा मैं आपको बता चुका हूं आने वाला है बहुत सारा मजा. एक तो मजा इसलिए आता है कि जब आपके दोस्त सेट पे आते हैं जिनके साथ आपकी बहुत सी बातचीत चल रही होती है, जिनके साथ आप बहुत उनको बहुत अरसे से जानते हैं. और बहुत एक मजे की बात यह होती है कि आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारे आर्टिस्ट, हमारे एक्टर्स, हमारे होस्ट, हमारे सेलिब्रिटीज का एक एंगल देखते हैं जो टेलीविजन पर नजर आता है. बट उनकी जो खूबसूरत जाती जिंदगी है, उनकी जो खूबसूरत लाइफ है, जिस तरह से वो मैनेज करके जितना मेहनत वो जितनी इस फील्ड में कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा मेहनत वो अपने घर में भी कर रहे होते हैं. सो अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आर डूइंग वंडर्स नॉट ओनली ऑन स्क्रीन बट एट होम ऑल्सो. तो आज हमारी दोनों जो क्वींस यहाँ पे मौजूद हैं उनमें से पहली क्वीन को बुलाता हूँ जो आपकी बड़ी फेवरेट है, बहुत अरसे से ट्रेंडिंग चल रहा है भाई इनका, पूछेंगे इनसे बहुत सी बातें. क्या चक्कर है, दो हफ्ते हो गए ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग, क्या सीन है? तो प्लीज वेलकम नादिया खान. अस्सलाम वालेकुम नादिया, सो गुड टू सी यू. हैव अ सीट. आई एम गुड. ये कुछ मर्ज हो गई है सेट और सोफे के साथ नादिया. नहीं, आई विल स्टैंड आउट नो मैटर व्हाट. या यू ऑलवेज स्टैंड आउट नादिया. जनाब आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट जो गेस्ट हैं वो भी बेहतरीन होस्ट हैं, बेहतरीन एक्टर हैं, शी इज अ वंडरफुल वाइफ एंड वंडरफुल मदर. लेकिन वो भी कुछ अरसे से ट्रेंड कर रही हैं. ये चक्कर क्या है, ये मॉर्निंग शो होस्ट जो हैं ये दूसरों की शादियां करवाते करवाते अपनी शादियां, गॉड फॉरबिड अपनी तलाक, यानी पूछते आज होने का जा रहा है, समझ गए? प्लीज वेलकम सलाम जंग. क्या बोल रहे हो? क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आई लव योर सेट, इट्स अमेजिंग. थैंक यू सो मच. असल में ये भी चाहता है ट्रेंडिंग पे आ जाए, ही इज जस्ट जेलस. बातें क्या बोल रहा है ये लड़कियां क्यों इतनी ट्रेंडिंग पे हैं? सनम नादिया क्या बात है. एक तो सबसे पहले आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू बोथ, यू आर लुकिंग गॉर्जियस. Thank you. Tell us something we don't know. No, every time he says it, मुझे बहुत हंसी आती है. अच्छा, इसकी वजह क्या है सर? तुम सबको ये कहते हो, तुम सबकी तारीफें करते हो,
सबकी एक मिनट सोच दो नो बट ये अच्छी आदत है कोई अच्छा लग रहा होगा तो बोलूंगा ना यार अच्छा गॉर्जियस नहीं हो दोनों ऑफ कोर्स मैं तो कह दिया ना कि वी नो टेल अस समथिंग एल्स समथिंग न्यू हां न्यू न्यू तो आप बताएंगे ना हमें नादिया खान हाउज लाइफ हाउज द न्यू एक्सपीरियंस हाउज इट गोइंग माशाल्लाह ब्यूटीफुल वैसे व्हाट आर यू रेफरिंग टू आई मीन टू योर वेडिंग यार What else would I refer to? वो मैं बाद में details पूछूंगा अभी शादी की बात कर रहा हूँ यार we saw the pictures we saw the videos of course बहुत बहुत मुबारक और wonderful your husband looks I mean he's a wonderful guy I know के बहुत ही educated जबरदस्त families है तो how did it happen? बस yeah we want to know the love story कौन सा वाला version बताऊँ 2000 versions हो चुके हैं कोई YouTube पे इतने अजीब अजीब versions भी मैंने सुने हैं hilarious मतलब I don't know, लोग हमारे इतना फारिश टाइम है कि बकायदा वीडियोस बनाते हैं कुछ लड़कियां वीडियोस बनाती हैं रात को 11 बजे के बाद ना रजाई में घुस के और फिर मैं एक वीडियो बना रही हूं आपको बताऊं नादिया खान के बारे में मतलब बकायदा ये तब होता है जब घर के लोग सो जाते हैं बड़े और उसके बाद लड़कियां जो है ना यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हैं अपनी सिर्फ आवाज दे रही हैं और खुद नहीं हमारी सामने तस्वीरें अपनी आवाज क्योंकि उनको पता है कि सामने आएंगे तो पिटाई हो जाएगी कहीं ना कहीं किसी को मिलेंगे तो पिटेंगी ऑनेस्टली बिकॉज आप किसी की पर्सनल लाइफ में ऐसे कमेंट्स दे रहे हैं और बकायदा मतलब वर्डिक्ट्स दे रहे हैं कि जी हो गया ये हमें पता है हम लोग वहाँ थे तो ये बड़ा बुरा परसेप्शन है लेकिन एक असल स्टोरी तो मुझे पता है क्या वही तो जानना चाहते हैं वही तो जानना चाहते हैं फिर कब कैसे अच्छा एक फनी वीडियो थी जिसमें था कि जी 15 साल से मुझे पसंद करते थे और मतलब मुझसे मिलना चाह रहे थे अरे भाई नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट फैशन ने मेरा कभी सच भी हो सकता है यार 15 साल से नो दैट्स फाइन आई वुड मतलब आई वुड कंसीडर माय सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट अगर वो मेरे बारे में सोच रहे थे इतने अरसे से बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कहते मैं फाइटर पायलट अभी मतलब ओह ही इज अ पायलट यस ऑफ कोर्स व्हाट अ कोइंसिडेंस बट अ फाइटर पायलट व्हाट अ कोइंसिडेंस मतलब एयर कॉम्बैट्स कर रहे हैं और उसमें आप किसी के बारे में सोच रहे होंगे ऐसा कोई मतलब सीन नहीं होता ही वाज वो भी सकता है पहले फैसल को जानती भी नहीं थी के, और हम दुबई में थे वी नेवर मेट हम लोग पिंडी में 10 मिनट्स की वॉक के डिस्टेंस पे रहते रहे बचपन में हम कभी नहीं मिले डेस्टिनी देखो यार 10 मिनट की वॉक मैं 90s में इनके फादर से मिली पीटीवी में ही वाज डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स मैं मिली उनसे सो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यू नो 20 इयर्स फ्रॉम नाउ कितनी डिफरेंट बात होगी आई मीन हमारे साथ से स्ट्रेंजली पाथ्स क्रॉस भी किए नहीं भी किए एंड सितंबर में एक्चुअली एक यार ये मैंने अपनी YouTube वीडियो एक मिनट नहीं मैं पता मुझे एक मिनट यार वो जो हमारे म्यूजिक वाले उन्होंने ऐसा ये शादी के साथ उन्होंने ऐसी गाना जैसे लॉलीवुड की फिल्मों में गाने शादी के पीछे टूड़ उड़ उड़ अच्छा फिर अच्छा यू मेट हिम इन सितंबर एंड देन इंस्टेंट और उसके बाद ये फिर क्या हुआ था फिर आई गॉट बिजी वो बारिशों वाला टाइम भी आ गया था उसके बीच में इनकी आंखों में स्पार्क तो चेक करें बताते हुए आंखों में मतलब फिर भी बात नहीं पूरे जिस्म में नजर आ रहे ना things are full all in love things are different now I can see that she's not the same Nadia Khan Nadia मेरे ख्याल में 20 साल में कभी किसी ने मुझे शर्माते हुए नहीं देखा probably हां वो जो वीडियो मैंने देखी इतनी क्यूट वीडियो थी सनम जिसमें मियां ने हाथ पकड़ा हुआ है सीढ़ियों से वैसे चलती आ रही सीढ़ियों से ही हाँ जी जी सीढ़ियों से ही चलते हुए प्यारी लग रही शर्मा रही है नादिया यार मतलब आई वाज इट वाज वेरी हैप्पी इट वाज वेरी रोमांटिक बिकॉज़ फैसल सेड के निकाह के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं आके तुम्हें नीचे लेके आऊँ ना वहाँ ड्रॉइंग रूम में तो हाँ तो अच्छा सब इनके शो वाले फायदा उठा रहे होंगे जो शो वाले ना क्योंकि मूड अच्छा होगा सुबह सुबह रोजाना हो गया कोई भी भाड़ मारो कुछ नहीं कहेगी नादिया मैंने नादिया को तकरीबन 10 साल या 12 साल बाद इस अच्छे मूड में देखा इस तरह के मूड में क्या मैं अच्छे मूड में हां नहीं बिल्कुल नहीं एकदम मैं दुबई इसके शो में गया था तब भी अच्छे मूड में थी बहुत साल पहले और उसके बाद कितनी बार मुलाकात हुई लेकिन ये वाला मूड ये मूड नहीं था ये जो चुलबुलापन वापस आया ना जिंदगी में हां अच्छा सनम सनम से बात करते हैं अब ये मसला ये है सनम
कि मतलब I know your family, your husband. मेरी ज़िंदगी में तो मसले ही मसले हो गए ना. नहीं ये क्या है, ये कहाँ से बात निकली? And then you had to clarify it. मतलब चलो एक तो था कि लोग नहीं, you know I know you. बहुत दफा होता है कि लोग बहुत कुछ कह रहे होते हैं और लोग बोलते रहते हैं. And I keep quiet. But why did you think के I need to clarify this? Why? अच्छा तो मेरी सास को कॉल्स आ रही है, अरे क्या हो गया, कसम ने दूसरी शादी कर ली. अब वो कह रही है नहीं ऐसा कुछ नहीं है. कसम को वहाँ कॉल्स आ रही है अमेरिका में. अब सबको परेशानी है कसम और सानम एक साथ क्यों नहीं रहते. अब इतनी लंबी स्टोरी है, तुम्हें तो पता है डिटेल्स आ रही, मैं बता नहीं सकती इतनी लंबी स्टोरी है. अब उसकी जॉब उधर है, वो उधर रहता है और अभी वक्ती तौर पे कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए हम इधर है, हम वेट कर रहे हैं कि हम उधर शिफ्ट हों. बाकी डिटेल्स बहुत लंबी है, मैं बता नहीं. अब कसम को लोग कॉल्स कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सानम प्लीज यार व्हाट इज दिस. मैंने कहा अच्छा बदनाम तुम ही हो रहे हो, मैं तो नहीं हो रही बदनाम, कोई बात नहीं. बट इज लाइक नो, तो मुझ पर इतना प्रेशर आ गया था, लाइक द एंटायर फैमिली एवरीबडी वॉज, दूर दराज के लोग भी कॉल कर रहे हैं क्या हो गया क्या हो गया. मैंने कहा भाई कुछ नहीं हुआ है कुछ, यहाँ तक कि बेचारा जाहिद अहमद वो भी परेशान हो गया. देखिए लिटरली टेक्स्टेड मी आउट ऑफ ऑल द सेलिब्रिटीज, इज द ओनली वन हु टेक्स्टेड मी इज लाइक सानम आर यू ओके, आई मीन आई होप दिस इज नॉट ट्रू. सो आई सेड नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है. तो इसलिए you thought it's getting serious, so you had to clarify. Yeah, मैंने कहा because मुझे लगा ये it'll die down, दो दिन में it'll die down. नहीं नहीं ऐसी बातें, ये जो घरेलू वाली बात होती है die down नहीं होती है, चलती रहती है. और पता नहीं क्या क्या कहानी अब नहीं, बहुत सारे फालतू यूट्यूबर्स अभी इसी पे ही rely कर रहे हैं ना, for attention, for importance. और कहानियां भी बता बना दी ना कि सनम सिंह के टाइम नहीं दे रही, बहुत अच्छा किया सनम ने, बहुत अच्छा किया सनम ने clarify किया, because one should, जैसे ही आपने बोला ना officially, सब चुप हो गए. इतने मेरे पास अच्छे जिंदगी में कभी कमेंट्स नहीं आए क्लैरिफाइंग पे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने कहा ओके फाइन थैंक यू. अच्छा एक चीज ये भी तो है ना कि लोग मोहब्बत भी करते हैं, they are very like you know like caring also at times. Look, some girls some guys they love you very much and they want to know about you. वो जो comment था ना, वो किसी एक शख्स ने ऐसी कुछ लिख दिया ना, इनकी तस्वीरों में तो कसम दिखते ही नहीं है. और फिर किसी ने लिख दिया, उससे ही बात निकली. हाँ फिर किसी ने लिख दिया इनका डिवोर्स हो गया है. फिर किसी ने लिखा हाँ हाँ तीन दिन हो गए इस बात को. फिर किसी ने लिखा कि आपको कसम ने डिवोर्स क्यों दी, तो मुझे इतनी हंसी आई थी, मैंने कहा आपकी वजह से मैंने यूं किया. बस फिर पागल हो गए सब. क्या हो गई? हाँ मैंने कहा ओह गॉड ये क्या हो गया, ये क्या हो गया. अच्छा yeah. अच्छा अब ये बताओ मुझे नादिया कि सोशल मीडिया हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, सो हाउ डू यू टैकल ऑल दिस, डू यू एंजॉय दिस, मजा आ रहा होता है या किस तरह टैकल करती हो उसको? सी नॉर्मली जब आप अपने नॉर्मल दिनों में तो इट्स ओके, आप पोस्ट करो ना करो. मैं बहुत ज्यादा इनफैक्ट पोस्टिंग पिछले दिनों कर भी नहीं रही थी. आई वाज एंजॉयिंग माय अपना फ्रीडम ऑफ नॉट पोस्टिंग एंड यू नॉट रीडिंग द कमेंट्स, नॉट बीइंग बदर्ड. फिर जब ये शादी का सारा सिलसिला एक्चुअली हुआ बहुत बहुत जल्दी, मैं पिंडी गई हूँ एंड ही मेट माय फादर, द फैमिली मेट माय फादर. अगले दिन उन्होंने खाने बुलाया और अंगूठी हो गई. आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड कि तैयारी वगैरह सारी मंगनी हो गई एंड 2 वीक्स के बाद उसमें हो गई शादी. तो मुझे ये लगा कि जब मंगनी की न्यूज़ आउट हुई एकदम कि अभी बहुत मामला गर्म है, बहुत सब बात कर रहे हैं, तो मैं शादी की अभी पिक्चर्स नहीं अपलोड नहीं करूँगी, पोस्ट नहीं करूँगी, विल वेट till we discovered that one picture has been leaked. Oh okay. God. So, but there was nothing to hide, yaar. मतलब ऐसा भी क्या? Why is your choice? क्या आपकी personal choice आपने लिया? मुझे था कि थोड़े दिनों बाद ये मंगनी वाली भी बात है, आराम से जरा सुकून हो जाए, हम भी settle हो जाएं. तो बस जैसी पिक्चर लीक हुई मैंने कहा यार फिर आई हैव टू मेक अ स्टेटमेंट, पोस्ट समथिंग. और बस फिर उसके बाद बता दिया. और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी क्या बड़ी बात है, मतलब शादियां सबकी होती हैं यार, एक मेरी भी हुई. इट इज नॉर्मल. इतना ये ट्रेंडिंग पे और इतनी वीडियोस, ऐसा ओवरवेल्मिंग रिस्पांस, आई मीन इट्स इवन बहुत अच्छा रिस्पांस भी है, बहुत ज्यादा रिस्पांस है, मोर देन आई मीन 100 टाइम्स मोर देन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग. इट्स टू ओवरवेल्म. शो चल रहा है अभी भी आफ्टर द शादी? यू आर डूइंग योर, यार मैंने स्पेशली ना टीवी लगा के देखा अगले दिन पीटीवी पे कि नादिया की कल ये न्यूज़ आई है, ये आ रही है या नहीं आ रही? लाइव आ रही थी. मैंने कहा रिकॉर्डिंग, ये तो घर, ये लाइव चल रही थी यार. बैठी हुई वापस शादी के एक वीक बाद न्यूज आई ना, तो मेरी छुट्टियां खत्म हो गई थी, मैं तो आगे शो कर रही थी. ओके वंडरफुल. अच्छा सलम, तो किस तरह पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उसमें उसकी राज क्या है? अगर बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं जिनके शौहर, ये बड़ी एक मतलब मेजर बात है कि जिनके शौहर बाहर होते हैं और कभी कभी आते हैं, या वर्क सिचुएशन ऐसी होती है, सो हाउ डू यू मैनेज दैट रिलेशनशिप, बिकॉज यू गाइस आर सो यंग और माशाल्लाह यू आर बोथ आर इन लव एंड आई हैव सीन योर, हम यूएसए में जब थे तो पूरी फैमिली थी,
तो वो एक बड़ा खूबसूरत रिलेशन पे, तो उसको मैनेज कैसे किया भाई? ये माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त बात है। ओके, अगर आप एक दूसरे से प्यार होता है आपको, और ट्रस्ट बड़ा जरूरी है रिलेशनशिप में, वो भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा मैं यूं बहुत मेरे लिए मुश्किल का काम चला गया, बिकॉज आपको एक दूसरे की प्यार तो होता है, आदत भी हो जाती है और जरूरत भी होती है। मतलब ऑफकोर्स कितनी जरूरत होती है, आप शॉपिंग पे जाते हैं वापसी में वो सामान सारा उठा के अंदर लाते हैं, कितनी जरूरत होती है। आई होप ही इज लिसनिंग टू दिस। वो बोतल डालता है पानी की कूलर पे, क्या क्या नहीं करता। आई नो, इट्स अमेजिंग, इट इज अमेजिंग। और जब आपको आदत ना हो और फिर आप खुद करने की आदत हो और सडनली आपको हेल्प कर रहा है और बच्चे के पैंपर चेंज करना, ये सब नहीं, वो तो हम ही करते हैं। लेकिन कभी तो किया होगा उसने, एक आध दफा किया है। ओके, सो मुझे एक्चुअली जो लोग देख रहे हैं उन लोगों से ज्यादा हिम्मत मिली है, बिकॉज देन आई रियलाइज कि ठीक है यार, अब कसाम का एक करियर, यू नो आई कांट स्टॉप हिम, अगर उसको एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी मिली है तो आई कांट स्टॉप हिम एट ऑल। फिर मैं देखती थी कि यार बहुत सारे लोग हैं जिनकी पोस्टिंग मियाओं की दूर हुई हुई थी, वो भी तो अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वो भी अपने बच्चों को बड़े करते हैं, तो उससे मुझे बहुत हिम्मत मिली। एंड देन यू नो क्या है, कहलाया कि भाई वीजा नहीं है, तो मैं जाती इसलिए नहीं हूँ कसाम से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे कसाम दोनों को बहुत गिल्टी फील होता है कि मम्मी डैडी एक साथ हो और बच्ची अकेले हो और उसको वीजा मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो दैट्स द इशू। और तो वी वेट के कसाम आए, तो कसाम ही पाकिस्तान आए ताकि मुझसे भी मिल ले और अलाय से भी मिल ले। दैट इज द ओनली इशू के लोग कहते ना क्यों नहीं अपने मियाँ के साथ है, इसलिए क्योंकि हम अपनी बच्ची को यू नो अपसेट नहीं करना चाहते कि दोनों पेरेंट्स टॉक एवरी डे, इट्स लाइक एवरी ऑफ डे ना, अभी भी आते हुए उसकी फ्लाइट तो इज लाइक हे व्हाट्स अप, मैंने कहा एसएन के शो पे जा रही हूं। ओके, तो हमारी तो बात होती रहती है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट नादिया टू मैनेज दीस थिंग्स। नहीं, पायलट्स की वाइफ्स को तो फिर यस गेट यूज्ड टू इट। हां, मतलब माय हस्बैंड वर्क्स इन यूएई, तो वो हमारा भी अभी छुट्टी ही चल रही है, बट यू नो प्यार प्यार ज्यादा रहता है, बदल जाती है, कम कम मिलते। आई एम टेलिंग यू, वैसे ये भी, ये बात भी सही, कम कम, कुछ लोग कहते हैं बहुत ज्यादा साथ रहने से प्यार बढ़ता है, कुछ लोग कहते हैं कभी कभी मिलने, यार ये अच्छे में अभी भी कभी कभी मिलने से, ये कौन सा नहीं, आप ज्यादा वैल्यू करते हो कि जब वो आते हैं तो वो 10 दिन पूरे आप कहते हैं मुझे कोई काम नहीं करना, क्या खाओगे, क्या करोगे, मतलब यू जस्ट वांट कि आप सब कर लो जो भी है। And नहीं, वही उनका प्रोफेशन है, शी मैरिड अ पायलट, ही मैरिड एन एक्टर, दोनों को एडजस्ट करना है, दोनों को एडजस्ट करना है, दोनों को एडजस्ट करना है। अच्छा, एक चीज नादिया, जो बच्चों को कैसे बताया और मनाया, जो सबसे ज्यादा एक मुझे लगा कि बहुत ज्यादा सवाल भी आ रहा था बार बार, एंड आई सॉ सच अ क्यूट पिक्चर विद योर फैमिली, द होल फैमिली, द किड्स, एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर आई सॉ। तो वो बच्चों के साथ किस तरह का रिलेशनशिप, किस तरह मनाया उनको? सबसे प्यारी बात यही है कि जब हम लोगों ने बात की, जब उन्होंने प्रपोज किया, तो हमने ये कहा कि डिसाइड किया कि पहले बच्चे जो हैं वो एक मिले, और क्योंकि उनके भी एक बेटे हैं, इज 18 माशाल्लाह, स्टडिंग इन अमेरिका, एरोनॉटिकल इंजीनियर बन रहा है, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है, हनी, आई लव यू हनी, यू वॉचिंग मी राइट नाउ। तो ये था कि पहले बच्चे मिले और लेट्स सी इफ दे गेट अलोंग, और उनका वोट होगा। बड़ों से भी पहले पहले बच्चे मिले, उनको अगर पसंद आते हैं, मतलब उसके बेटे को मैं पसंद आऊँ, मेरे बच्चों को वो पसंद आए, तो उसके बाद, तो फिर पहले हम लोग मिले, बच्चे मिले, वीडियो कॉल्स पे बात हुई, फिर एक्चुअली मिले। बच्चों को तो बहुत, स्पेशली मेरी बेटी, बिकॉज शी इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, 17 है, तो बच्ची ने मुझे, एलिजे ने ये कहा कि मम्मा ही इज अ रियली नाइस गाय। हाउ नाइस, वंडरफुल यार, दैट्स अमेजिंग, ये लोग 17-18 तो ऐसी एज होती है कि बच्चे तो बड़े अपनी मर्जी के, नहीं ये क्या हो सकता है, बट दे सच नाइस किड्स माशाल्लाह। और मैं बताऊँ, क्योंकि उनका बेटा जा रहा था बाहर, उसको ये फिक्र थी कि मतलब मेरे फादर विल बी अलोन, या मेरी बेटी को ये फिक्र थी कि मैं सितंबर में पढ़ने जा रही हूँ कनाडा, पीछे मेरी मामा, हाउ विल शी मैनेज, एक वैसी कि भी अकेली है, काम करती रहती है, ये वो, हालांकि मैंने सोचा भी नहीं था शादी का, लेकिन हमारे बच्चे हमारे लिए बड़े कंसर्न थे। एक्चुअली हानी और अलीजे ने ड्राइव किया इस रिलेशनशिप को लिटरली, और फिर अजान का एक फैक्टर था, अजान तो एकदम उसकी दोस्ती हो गई, फैसल बाबा ये, फैसल बाबा वो, फैसल बाबा ये, एंड माय सन कियान, हुज माय अडॉप्टेड सन, मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैंने नहीं बोलना था, बट जस्ट के लोग इतनी बकवास कर रहे थे कि क्यों, क्या अभी तो शादी हुई थी तो क्या मतलब, देन व्हाई डिड यू अडॉप्ट, आपके पहले से बच्चे हैं तो क्यों अडॉप्ट, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन बाय द वे, लेकिन वो मेरा बच्चा, मेरी जान है। और मैं ये बताऊँ कि कियान को जब मैंने लीगली अडॉप्ट किया लास्ट ईयर, तो जब वो उस वक्त 20 दिन का था जब ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ, और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने सबसे पहला लफ्ज बोला था पापा, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक पापा नहीं है, देयर इज नो पापा, आई एम सॉरी,
बट फिर कभी मजाक में से कहती बेटा लेके आएंगे बेस्ट पापा लेके आएंगे तो मैं चाहिए ना लेके आती हूं ये उसी की दुआएं भी उसकी मजाक में कहती थी उसको तो एक दिन मुझे जान ने कहा मामा आई डोंट वांट यू टू गेट मैरिड अल्लाह मियां ने सोचा होगा ना अच्छा ये बोला ये जान ने बोला जब मैंने कहा ना मजाक में पापा लेके आएंगे ही सेड आई डोंट वांट यू टू गेट मैरिड तो मैं बड़ी परेशान थी कि अजान का तो रिएक्शन होना बिकॉज़ ही इज वेरी क्लोज टू मी हां हां ये पोजेसिव होगा ये मना करेगा बट जब वो मिले हैं फैसल से ही जस्ट लव्ड हिम और ये एक दिन का नहीं कुछ ये महीने का ऐसे प्रोसेस चला है जब तक फिर शादी नहीं हुई फिर मुझे बच्चों फिर हम अच्छा मजे की बात ही फैसल ने बच्चों के सामने प्रपोज किया बच्चों को बिठा के अच्छा जी हम ये करना चाहते हैं she is completely in love आप बताएं बच्चों को बिठा के हम सारे ऐसे बैठे हुए हम शादी करना चाहते हैं हालांकि दे वर ऑलरेडी इन फेवर बट फॉर्मली नहीं प्रपोज कर रहे तो वो बच्चों के सामने करके फिर रिंग पहनाई बट दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना बच्चों की इंपॉर्टेंस देते सर हम वैसे एक जनरल बात में कह रहा हूं कि यूजुअली हमारी सोसाइटी में अगर माँ या बाप दूसरी शादी कर रहे हो और ऐसी कोई सिचुएशन हो तो बच्चे बड़े खिलाफ हो जाते हैं ये हाँ, ट्रेनिंग हो होती है हमने यही देखा यू हैव डिफरेंट ट्रेनिंग बिल्कुल मैंने कहा बच्चों को यूजुअली ये होता है कि क्यों कर रहे हैं क्या जरूरत होती है हां क्या मतलब प्रॉब्लम बिकॉज़ हमने टेलीविजन पे ये देखा है प्रॉब्ली बिकॉज हमने इस तरह की मूवीज देखी है तो शायद वही हमारे बच्चों के जहन में बैठ गया हो बट आई डोंट नो आई थिंक दे शुड मीट द पर्सन बिफोर यू फाइनलाइज एनी बट गिव बोथ ऑफ देम एन अपॉर्चुनिटी यू नो इन ओवर देयर इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग इफ समवन वांट्स नॉर्मल है अभी तो ऐसे यहां नॉर्मल लोगों में शोबिज के लोगों से ज्यादा अजीब चीजें चल रही हैं मुझे ये बताएं इसमें शादियां क्या तलाकें क्या चार शादियां क्या 10 शादियां क्या आप नॉर्मल लोग घर में जाके देखें क्या हो रहा है घरों में प्लीज और नहीं तो चार मैं अपनी मेड्स के नंबर देती हूं आप उनसे पूछें कि पिछले साल में वो क्या क्या कर चुके हैं कौन मेड्स मैं तो चार का नंबर मैं आपको देती हूँ यहाँ तक पहुंच गए मतलब एक मेड मेरे गई कि बाजी 2 घंटे में आती हूँ और वो गई है और मुझे किसी ने उसकी पिक्चर भेजी उस दिन 2 घंटे में शादी कर ली शादी को आसान करना चाहिए यही है तो बहुत तेज निकली उसके बाद भागल बच्चों के बाद सेकंड स्टेज थी और हमने कहा था कि ये दोनों स्टेज सही नहीं गई तो शादी नहीं होगी सेकंड स्टेज थी अब्बा उनकी अम्मा ओके ओके फिर उनसे उनसे कैसे मतलब वो तो खुश सब कुछ इधर ही बता दो मेरी आउटस्टाइल के YouTube चैनल पे मेरे देखिएगा डिटेल्स ये काट देना प्लीज बट ये कि फिर पेरेंट्स को उनको बताया और वो जब मिले और उनको जब पता चला इत्तेफाक से इतने खुश थे बहुत ज्यादा खुश थे जब उनको पता चला कि किससे शादी करना चाह रहे हैं यू गाइस आर मैच्योर और वो नजर आता यू आर सेंसिबल यू कैन यू नो वो से अच्छा बच्चे बड़े सब वीडियो में खुश है तकलीफ लोगों को है हमारे बच्चे खुश हमारे बड़े खुश हम खुश इग्नोर ये तुम कौन हो सही है अच्छा काम के हवाले से बात करते हैं सर हम एक नेगेटिव रोल बड़ी अरसे बाद बल्कि कभी किया ही नहीं मुझे तो लगता यू नेवर डन नेगेटिव तो ये क्या मतलब कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा था जो किया इंटरेस्टिंग था कैरेक्टर उसके अलावा ऐसे लोग मुझे रोक रोक के कहते थे बेटा क्या दुख है जिंदगी में क्या किया है क्यों आंसू बहाती हो क्या मसला है बेटा तुम्हें रोतू रोल्स ही मिलते हैं तो मैंने कहा चलो अब आल्सो आई थॉट कि इट वाज हाई टाइम कि अब करना चाहिए यार कुछ और क्या हमेशा ही एक तरह के रोल्स करेंगे तो इसलिए मैंने कहा चलो यार नेगेटिव ट्राई करते कुछ और इतना मजा आया People who are meeting me face to face, yes. मुझे लोग मैसेज करके बोल रहे हैं लेकिन मेरे ख्याल से ऑनलाइन कमेंट्स मैंने कुछ पढ़े थे तो वो क्या कर रही है इस पे सूट नहीं करता इतनी बोली है seriously ना वो you can't help that because I think they hate my character yeah they love to hate you and that is my success that's your success so you're enjoying that I love it और कुछ show नया कोई morning show कोई evening show कुछ हो रहा है ऐसा नहीं not yet planning में सोच रही थी हो रहा है कि नहीं planning में अब not really होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी और नादिया अब कब तक मतलब काम और मॉर्निंग शो करने का इरादा है और ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे और फिर कहीं चले जाएंगे ऐसा कहीं है मुझे लग रहा है नादिया जो मुझे लग रहा है नादिया का एक मसला कुछ लोग होते हैं जो हर वक्त कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं ना जिंदगी में नादिया इज वन ऑफ दोज शी डज ये कहीं आराम से वो कहते हैं टिक के नहीं बैठना ये आराम से नहीं बैठना बस कुछ ना कुछ और अच्छा है ये लाइफ है यार एंजॉय इट एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू तो क्या प्लान है अपना खुद ही बता दिया तो मैं क्या बोल लूं अच्छा she will shift to UAE सवाल नहीं पूछ लिया you want to just do something else now सब कुछ चलना चाहिए साथ-साथ काम भी
फैमिली लाइफ भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा मैनेज हो रहा है माशाल्लाह। अच्छा अब एक्टिंग कर रही हो कहीं पे नादिया आजकल? मैं एक्टिंग नहीं कर रही और एक्टिंग भी किनू की वजह से बिकॉज ही वाज वेरी स्मॉल और ड्रामा में जैसे पता है सनम को भी आपको कि कितना टाइम लगता है फुल टाइम यानी 24 आवर्स। मुझे मॉर्निंग शो सूट करता है, मैंने पूरा साल किया है ड्रामा लेकिन उसमें फिर ये कि आप बच्चों को विद फैमिली के साथ ये मॉर्निंग शो के साथ फैमिली सही है, ड्रामा के साथ फैमिली बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप लेट आते हैं, आप सुबह जल्दी जाते हैं, टाइम नहीं दे पाते आप। ठीक है तो अच्छा एक चीज मुझे बता दो, स्पेशली नई नई शादी हुई तो प्लीज यार मैं तो कहता हूँ एक घंटा भी जाया नहीं करना, एक घंटा भी जाया नहीं करना चाहिए। चलिए नादिया वापस जाए, माशाल्लाह इतने सालों बाद इतनी खुशी तो नादिया एक लम्हा भी जाया नहीं करना नादिया। और आप सोलमेट से मिले हो, सोलमेट यार दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। तो आपको फिर टाइम जो है ना आपको अपने लिए चाहिए देना चाहिए। अच्छा ब्रेक पे तो जाना है लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा नादिया, डिड यू स्टार्ट द शादियों का थिंग इन द मॉर्निंग शो? अल्लाह माफी में लगता है मुझे किया था मैंने ऐसे काम किया नहीं था। किसे किया था? नादिया नहीं किया था नादिया नॉट एट ऑल, मैं तो बल्कि बड़े उसको सपोर्ट भी नहीं करती रही हूँ, मेरे तो कभी किसी शो में शादी की बात भी बहुत कम होती थी। ठीक है तो फिर डू यू लाइक शादी होना, डू यू लाइक शादी मॉर्निंग शो पे? क्या मतलब तो शादियों की क्यों बातें कर रहे हो, मतलब बता क्या मेहंदी लगा के आई उसमें? नहीं नहीं शादी तो शादी की बात करो ना, मुझे शादियों पे जाना, मुझे ये शादियों पे बात करना, शादियों की रस्में, शादियां शो पे कराना, शादियों के कपड़े, शादियों के खर्चे जहर लगता है। मुझे शौक नहीं, मुझे लगता है कि इन चीजों पे हम बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, वक्त पर बात करते हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ये एक बिजनेस वुमन है, इसने नादिया ऐसी फजूल चीजों पे जाया नहीं करती है, ये बिजनेस करती हैं। एक दो तीन चार पांच सात तरह के माशाल्लाह ये। अच्छा आई हैव नो आईडिया, यस यस यू डोंट नो हर, शी इज लाइक एवरीवेयर। और सनम क्वाइटली सनम ने शुरू की है शादियां, पता लग गया। सनम मुंह फड़ो, एने की तरह एक सेकंड, उनको भी पता है किसने स्टार्ट की थी, शाइस्ता ने की थी या फिर निदा ने? अच्छा अच्छा इसको देखो, अच्छा हम यार ऐसे स्टॉप इट, इफ दिस वाज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड नाउ आई वुड हैव पंच्ड यू राइट अवे, एक्टिंग सो इनोसेंट। पंच मी, ऑफ कोर्स मुझे क्या पता, मैं क्या बैठ के मॉर्निंग शो देखता रहता हूं? नो मेरे ख्याल से ये ट्रेंड बन चुका था, क्या सक्सेसफुल ट्रेंड है। हाँ जो भी है successful. लेकिन द सैड पार्ट इज कि लोग देखना चाहते हैं चैनल मुझे, तो मुझे बहुत मजा आएगा अगर मैं दोबारा से दूल्हा बन के बैठूंगा यार, मैं तो करूंगा एक मॉर्निंग शो। को दूल्हा बनने का मजा नहीं आएगा, चेक का मजा आएगा कि जिसको चेक मिलेगा छोटा। हाँ ये भी अच्छा, चेक का मजा भी आएगा, बिल्कुल सही है। इसका दूल्हा तो मैं बन जाऊंगा, इतना इतने पैसे लूंगा। अच्छा मुझे एक कुछ भी बन जाएगा ये। मुझे तो बड़ा मजा आएगा। तुम्हारी टीम भी हंस रही है, उनको पता है ये सच है, उनको पता है सच बोल रही है। अच्छा मॉर्निंग शोज में इतना बैकलैश भी आता है बहुत सी चीजों पे, और क्योंकि आप हर रोज शो करते, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि यू आर डूइंग almost 300 shows. पहले explanation दोगे फिर मुश्किल सवाल पूछोगे। 300 shows a year 300 से ज़्यादा ही, बल्कि अगर आप weekends निकालने Saturday Sunday 300 show के करीब हो गया। It's so difficult to bring new topics, but inevitable है कि आप 200 show कर रहे हैं उसमें से एक show में तो backlash आ ही जाता है। हाँ, ऐसा होता है। How do you deal with that backlash? Just stay quiet. Stay quiet. Let it. अब हो गई ना गलती, क्या कर सकते हैं? Nobody does it on purpose. Intention तो नहीं होती. Intentionally कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं चाहता, लेकिन वो obviously इतना madness होता है, वो daily 5 days a week and even the team gets exhausted. नहीं वो idea किसका था सनम के चेहरे dark कर लो और लड़कियों को चलाओ, वो क्या idea? Okay, so क्या था? SN के you know makeup competitions are highly rated. ठीक है, तो channel ये करता है. ठीक है, क्योंकि सबको रेटिंग चाहिए, हर आपके चैनल को चाहिए, मेरे चैनल को चाहिए, सबको चाहिए, उसके बगैर हमें निकाल देंगे। एग्जैक्टली, तो ये हाईली रेटेड शोज होते हैं, तो उसमें से एक शो पे ये आइडिया आया कि ठीक है हम मेकअप मेकअप आर्टिस्ट को जज करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क देते हैं, मुश्किल करते हैं कि नॉर्मल आपकी स्किन पे मेकअप करना आसान है, लेकिन आप स्किन टोन चेंज देखते हैं, उनसे स्किन टोन चेंज टास्क ये था, देखते हैं कि उनसे स्किन टोन चेंज हो सकती है कि नहीं, उसके बाद उस पर किस तरह वो मेकअप करते हैं। तो हमारी जो टीम ने सजेस्ट किया कि हम ऐसे करते हैं कि हमने किया क्या था, एक सेकंड मैं जरा सा भूल गई हूँ,
डार्क करके उसको तो के डार्क मॉडल्स बुलाते हैं और उनको हम आइवरी लगाते हैं, बेस फेयर करते हैं. मैंने कहा नो वे, दैट्स अ वेरी बैड आइडिया, दैट विल पोर्ट्रे कि हमें कि हमें रंग नहीं पसंद. तो मैंने कहा आप जो नॉर्मल टोन्स के ना उसको आप डार्क करा ले. कहीं मैं रेसिस्ट का एलिमेंट, मैं तो वो सोच रही थी कि वो रेसिस्ट ना लगे, ऐसा ना लगे. तो वो बिल्कुल ऑपोजिट उल्टा हो गया एंड इट वाज रियली बैड. It just happened, but none of us wanted anything like that to happen. हम में से कोई कहीं racism का element था ही नहीं. लेकिन वो बना दिया गया, उसको एक internationally भी उठा लिया था किसी ने. Honestly बुरा लग रहा था, screen पे मैंने भी देखा था, बुरा लग रहा था. But only point was कि हम वो judge करें को कर पा रहे कि नहीं, because आप skin tone change करते हैं, फिर उस पर आप किस तरह का eye makeup करते हैं, क्या वो, it was all that, but you know, it just. But वो backlash से थोड़ा सा घबरा भी गई थी मुझे. हाँ, मैं घबरा गई थी. You were very like, ये क्या? I was extremely upset. I went to Maimuna's room and I said कि मुझे नहीं करना और, please मुझे और नहीं करना और ये मुझे शो नहीं होगा. और मैं, मुझे ना शर्मिंदगी हो रही थी ना अंदर. वो होता ना कि गॉड को लोग ये क्या सोच, मैं बाहर जाती थी. का सबूत है क्या वो गलती ना भी हो, लेकिन फिर भी हमारी कोई कसाम की फैमिली आई थी और हमें जाना था कहीं खाने के लिए ना. तो कसाम ने कहा ये, मैंने कहा कसाम मैं नहीं जा रही. तो कहता है क्यों? मैंने कहा कसाम पता नहीं लोग मुझे वहाँ के बोले नहीं है, तुमने क्या किया, मैं लोगों को फेस नहीं कर सकती. कह रहा तुम पागल हो गई हो. अब मैं वहाँ गई भी थी ना तो मैं इतनी डरी हुई थी, मैं नीचे देख रही थी, मैं लोगों से आंखें नहीं मिलाई थी. कोई आपको और कोई आया दे. कोई आई आंटी ना, तो मैंने कहा ओ नो अब ये बोलेंगे कुछ. और वो आई, शुक्र अल्लाह को उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा. बहुत प्यारी हो, मैंने कहा अल्लाह ने इज्जत रख ली. इट्स सो डिफिकल्ट यार, इट इज फॉर पब्लिक फिगर्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार. ऑनेस्टली फैमिली और लोग और मैनेज करना, कोई बहुत ऐसा शो कभी हुआ है कि इसमें बहुत गलत कुछ हो गया हो? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वैसे शो के साथ कोई बैकलैश ऐसे नहीं हुआ. पीटीवी पे तो वैसे ही बहुत स्ट्रिक्टनेस है. नहीं, मुझे एक अरेबियन नाइट्स का हुआ था, एक लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया था कि ये क्या कर रहे हैं. देखिए वो एक ओपिनियन है, लेकिन एक जेन्युइन, मुझे लगता है कि जेन्युइन आपकी इशू तब होता है जब होस्ट को नेक्स्ट डे आके अपोलोजाइज करना पड़े, माफी मांगना पड़े. ये चीजें मैं बहुत अवॉइड करती हूँ और उसकी वजह से मैं रेटिंग चीजें, कोई भी सेंसेशनलिज्म को आई से नो. मैं क्योंकि मुझे पता है कि जब आप फंसते हैं ना तो आपको कोई नहीं पहचानता, कोई चैनल नहीं. भी तो मैं बड़ी इस मामले में हूँ कि भाई मैं जो सही समझती हूँ मैं वही कहूंगी. और मुझे कोई चैनल, कोई रेटिंग, कोई प्रोडक्शन हाउस मजबूर नहीं कह सकता कि आप ये कह दें ओहो रेटिंग मुझे चाहिए, कोई कागज ला के दे दे मैं भी नोट कर लूं प्लीज. प्लीज चाहिए जिंदगी में. मैं असल में देने लगा था, सब कुछ नोट कर लूं. आप सेफ रहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को खुद हिफाजत करनी है, प्रोटेक्ट करना है. और वो आपको बस also at the time when you were doing it Nadia, it was a completely different game. You were the only one doing it, you were the boss. Aap kuch bhi kehdo, koi competition nahi hai. But you media bhi itna, you didn't exactly, you didn't do it when there was intense competition. You did come back for a while, but then Sanam and Nadia, the point is but the starting was completely different. Sab insaan hai aur jahan acha karo the wahan kahin na kahin galti bhi ho jati, to thoda sa overlook bhi karna chahiye. Jara ab baatein hamari chalti rahegi lekin games ki taraf badhenge. Ab games se maza aane wala Nadia ke sath अच्छा जनाब, नादिया एंड सनम हमारे साथ मौजूद हैं. इतनी मज़े की बातें हो रही हैं और वो बातें पता चल रही हैं जो लोग जानना चाहते हैं, विच इज़ वंडरफुल. लेकिन ज़रा एक रैपिड फायर राउंड हो जाए, क्या ख्याल है नादिया? मैं नहीं. Good, that was good. I mean, if you ask me, no. ये तो होना पड़ेगा, करना पड़ेगा नादिया. पूछ क्यों रहे हो फिर? फिर बस करूँ, शुरू करें. हमें बुलाया और हमसे पूछ भी नहीं रहे. एक दफा यहाँ जो आ जाता है फिर वो उससे कुछ नहीं पूछ उसकी मर्जी नहीं चलती. उसकी मर्जी सिर्फ इंप्रेशन दिया जाता है कि आपसे पूछा जा रहा है. लेकिन ये ऐसी जो गेम्स है ना, रैपिड फायर राउंड के अलावा अगर नहीं होगा तो फिर एक ऐसा राउंड जिसमें बहुत कुछ खाना पड़ेगा, तो आई डोंट वांट टू डू दैट. मैं खा लूंगी बाद में जो डांटे खानी है. सनम ये बहुत बड़ा ट्रैप है, ये जो साहब है हसन साहब, ये नादिया, लेकिन आप तो बहुत कुछ बोल देती हैं, आप खुद डरती नहीं हैं. आप क्या साजिश है? ये रैपिड फायर नहीं है, ये साजिश है. इट्स अ ट्रैप. इसमें वो बातें करेंगे. एक रैपिड फायर राउंड कर चुकी है लोगों से. नहीं वो ही नहीं, मैं तो नहीं करती रैपिड. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है.
लगता नहीं कहीं कर रही होती, बोलती नहीं है कि ये रैपिड फायर है, ठक 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 ऐसी फायरिंग हो रही होती है। ये बात है, बोलने मैंने उसका नाम नहीं रखा हुआ, लेकिन मैं बताऊं कि ये वो पार्ट होता है शो का जिसने डेफिनेटली वायरल होना होता है। मेरे सवाल का जवाब दो, शो पे वायरल हो चुकी हूं। ये बड़ा सिंपल है सब कुछ, जैसे वो वसीम बोलता ना मासूमाना, ये वैसे मासूमाना से रैपिड फायर राउंड है। मासूमानी और मैं जिस वक्त कोरोना से बच रही हूँ वैसे मैं इस रैपिड फायर से भी बचूंगी, आज बुलवा लो बेटा मुझसे। ठीक है, ओके। नादिया से पहला सवाल, इंडस्ट्री में किसको ब्रेन का तोहफा देना चाहिए? कम ऑन, दिमाग कोई पिक्चर आई है जहन में? मेरी देखी है 3000 वीडियो जो बाद में इसके शो के बाद बनी है। नादिया ने ये कहा, मैं नहीं बोल रही कुछ। अच्छा ये बोल दो, एसन तुम्हें देना चाहिए। ठीक है, एसन मुझे देना सवाल क्या था दोबारा बताओ। इंडस्ट्री में किसको ब्रेन का तोहफा देना चाहिए, यानी इतना चल गया किसी का कि वो खत्म होने वाला है, नया ब्रेन आ जाए या किसी का बहुत चलता है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किस तरह से इस सवाल को, डोंट स्पॉइल माय शो, किसी का ब्रेन बहुत यूज हो गया है, अब नया ब्रेन, किसी का ब्रेन बहुत अच्छा है और अब उसको जंग लगने वाला है। एसन हाँ सही है, अच्छी वाली बात तो मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन जंग इतनी जल्दी क्यों लगेगा? मेरे से बहुत सीनियर सीनियर लोग, भाई मैं पहले बहुत ट्रेंडिंग में हूँ, मुझे बस अब मजीद नहीं ट्रेंडिंग में इस चक्कर में आना, मुझे चाहिए जो बुरी चीज होगी भाई मेरा नाम आएगा उस पर। ठीक है जी, किसको बार बार गेस्ट बुलाना पसंद है? पहले उससे पूछो ना। नहीं ये नादिया खान का रैपर, किसको बार बार गेस्ट बुलाना पसंद है? मुझे किसको अच्छा लगता है बार बार गेस्ट, बार बार बातें करना, बार बार गप्पे लगाना, बार बार बुलाना शो पे? एसन। कोई बात करो उसको बुरा नहीं लगता, ये बड़ा अच्छा लगता है, देन ही हैज अ लॉट ऑफ टू से एज वेल, और हमेशा मजे की बात है इसके करियर में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, माशाल्लाह। एंड ही इज ऑलवेज इन अ गुड मूड, अभी ड्रामा, अभी ये शो, अभी ये, ही इज सो हैपनिंग कि मतलब माशाल्लाह इतना कंटेंट, इतना रिसर्च होता है कि किसी के अगर 2 पेजेस की रिसर्च बनी है तो इनकी को 10 पेजेस की रिसर्च happening होती है। happy as well. माशाल्लाह। ये तो मेरे लिए तालियां, मेरे लिए जोरदार। happening artist, मतलब बेस्ट काम जो है ना, ये पता नहीं कैसे ये लेके भाग जाता है। यार थैंक यू नादिया, थैंक यू। अच्छा जी ड्रामे, अब मेरा दिल नहीं कर रहा ये वाला सवाल करने का, मैं सुनता रहूं ये बातें और चलती रही बातें। अच्छा जनाब, ड्रामे में किसके साथ रोमांस करना बहुत बुरा लगता है, बहुत मुश्किल है? मेरे ऐसे ड्रामे होते ही नहीं है। ओ यार किसी को ये तो जुमला बोलना होगा ना, कैसे आप चाय बना दूं आपको, इतना तो रोमांस, इतना हल्का सा, चलो रोमांस नहीं, वैसे ही कौन सा हीरो जिसका लगता है कि यार ये एक्सप्रेशन नहीं आएंगे, मैं मुझे नहीं करना। ओ माय गॉड, नहीं मेरा पता ड्रामे में यू आर रुइनिंग इट फॉर मी, यू आर रुइनिंग, आई क्यू क्वाइट नाउ, आई क्यू क्वाइट नाउ, इसमें भी ट्रैप है ना? कोई ट्रैप नहीं इसमें यार। अच्छा कभी एक मिनट यार सुनो सनम, कभी कोई इतना दोस्त होता है अपना, अब मैं मुझे कभी कोई मेरे बहुत करीब है कोई दोस्त है, मेरा दिल नहीं कर रहा उस लड़की के साथ रोमांस करने को, तो मैं कैसे कर सकता हूं? ऐसा कुछ नहीं, एक तो वैसे ड्रामे मेरे ऐसी स्टोरी होती नहीं, लेकिन कोई एक्टर नहीं है कि जिससे मैं कहूँ वो इनके साथ काम नहीं करना, ये वो, आई एम फ्रेंड्स विद एवरीवन, मुझे सब बहुत अच्छे लगते हैं। किसी कोई एक एक्टर नहीं जिसका मैं नाम लूँ और कहूँ कि यार इनके साथ काम नहीं करना, नो, आई एम फ्रेंड्स विद एवरीवन, एंड आई थिंक प्रॉब्ली दुबई रही हूँ, इतना साल बाहर रही हूँ, तो किसी के साथ मेरे कोई पड्डे वगैरह। चलो फ्लॉप हो गया तुम्हारा सवाल, नेक्स्ट। फारिग, बहुत बहुत चालाक हैं ये दोनों लड़कियां, बहुत। अगला सवाल, सीख चुके हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों को 3 क्या मशवरे देंगी आप, जो यूजुअली आपके इर्द गिर्द होते हैं? इर्द गिर्द कितने इर्द गिर्द भी हो, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी? अरे तो बहुत ही अजीब सी बात होगी, जैसे एक्सप्लेन, मशवरा कोई भी, कोई मशवरा, बात परफ्यूम लगा लें, दूसरों की कुछ स्विंगम खा लें, मामलात में ना पड़े, कुछ भी। हाँ एक तो मुझे होता है एवरीबॉडी शुड स्मेल नाइस, तो आप ये परफ्यूम्स, एंटीपर्सपिरेंट्स, डिओड्रेंट्स इस्तेमाल करके रखें, ठीक ठाक इस्तेमाल करें, अलोंग विद अच्छा टूथपेस्ट एंड टूथब्रश, और दिन में 2 दफा जरूरी नहीं, अगर आप ड्रामे एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको 6 दफा करना चाहिए। हाँ बिकॉज आप इतना करीब करीब बात कर रहे होते हैं, और मुझे समझ नहीं आता वो लोग जो शूटिंग में ये वो जब खाने खाते हैं तो यू नो प्याज भी खा रहे होते हैं, मिर्ची भी खा रहे होते हैं, मतलब ये वाली चीज ये चीज या तो मत खाएं, ये ना खाया करें, ये पता बड़ा हाइजीन इश्यूज, बहुत ही ग्लैमरस नहीं है ये, ना करें। किस एक्ट्रेस को देख के मुंह से बेसाख्ता निकलता है ये कभी नहीं बदलेगी? अच्छा आई विल से इट इन अ गुड वे, कि मुझे लगता है कि हमारी कुछ एक्टर सनम है, मेविश है, इकरा है, माहिरा है, कभी नहीं बदलेंगी, हमेशा बहुत अच्छा काम करेंगे, काम करते हैं, मतलब इनका काम जो है कभी उसमें कोई आप गलत ही नहीं निकाल सकते। किस एक्ट्रेस की ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत इंप्रेस्ड हो,
Yeah, actor, actress. I think Yasra, she's looking amazing. She's looking transformation, yeah. And it was a challenge for her. तो मुझे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी कि मतलब उसने फाइट किया अपने आप को यहाँ तक लाने के लिए. आई मीन इट्स अमेजिंग. तो वो हाँ, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन अमेजिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगी. नादिया खान गुस्से में किस हद तक जा सकती है? क्या नादिया खान गुस्से में किस हद तक जा सकती है? गुस्से में that says it all. मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ. ये एक्सट्रीम गुस्सा आता है तो आई स्टार्ट क्राइंग. मेरा गुस्सा जब एक्सट्रीम है तो मैं रो पड़ती हूँ. दैट्स ऑल. बच्चों पे भी आता है और बच्चों को पता है कि अभी नाराज हुई है मामा तो रो पड़ेंगी. इससे और क्या कर सकते हैं? इससे ज्यादा तो फिर आप मतलब नहीं, क्राइंग फॉर मी. और उसके बाद सब सेट हो जाता है, बच्चे एकदम लाइन पे आ जाते हैं. सॉरी मामा. तो कभी किसी से बहुत ज्यादा लड़ाई हुई शो की वजह से या वैसे ही? कुछ याद आया? सोच रही है, कुछ आ रहा है. स्माइल जो आई थी ना, मैंने कहा कुछ याद आया. कुछ आई थिंक एक ऐसा, वैसे होता नहीं, एक ऐसा इंसिडेंट था कि आई वाज आस्क्ड टू डू अ शो और उसका प्रोमो वगैरह बन गया. और बाद उसमें बड़ी सारी चीजें हमने वादा किया था, ये भी होगा वो भी होगा. एंड एग्जीक्यूशन के टाइम पे पता चला कि जी वो तो चीजें कर ही नहीं रहे ना. ये तो अक्सर हो जाता होता है, ये अक्सर होता है. बट नॉर्मल है. तो कि हम ये भी नहीं दे रहे, हम वो भी नहीं दे रहे. मैं प्रोमो बना चुकी थी तो उस पे मुझे वाकई मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था कि मैं लोगों से झूठ नहीं बोलूंगी. जब मैंने प्रोमो में कहा है, जब प्रोमो में कहा है कि ये मिलेगा, ये होगा, वो होगा, जो आप लोगों ने मुझे कॉन्सेप्ट दिया तो वो तो है नहीं. नहीं, जहाज देने का वादा तो नहीं कर लिया था आपने? नहीं, शुक्र है, वो तो मुझे पता ही था कितना मिलना है. लेकिन ये कि इवन बाकी चीजें भी मुझे ये होता है कि जी मेरा माय नेम इज अ ब्रांड जिसके लिए भी मैं भी उस ब्रांड के लिए काम करती हूं. हमसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते और हम चीट नहीं कर सकते. और जो असल लोग होते हैं वो सामने नहीं आते. तो हमारे नाम को आप ऐसे कैश ना करें. मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था, मैं बहुत चीखी थी कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगी जो चीज नहीं हो रही. और मुझे जी आप इसके बाद मैं इस शो के बाद नादिया खान को वोट दूंगा मैं बकायदा. अच्छा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन. इनको प्रोफेशंस दें अगर इंडस्ट्री में तो वो क्या देंगी आप प्रोफेशंस? क्या लगता है कि ये क्या इनको करना चाहिए था इसके अलावा? नुमान एजाज. इतनी क्यूट है सी. वो खुद बता चुके हैं कि वो बेस्ट उनकी स्किल्स क्या हैं. आई थिंक इफ्फत के शो में उन्होंने बताया था उनकी बेस्ट स्किल्स क्या हैं. काउंसलिंग, आई थिंक कपल काउंसलिंग, लेडी काउंसलिंग. ये वो कर रहे हैं कपल काउंसलिंग. हाँ नहीं, अच्छा तो वो बता चुके हैं व्हाट ही इज बेस्ट एट. इफ्फत उमर. इफ्फत तो बहुत अच्छी लॉयर होती हैं. लॉयर होती हैं तो उनसे कोई जीत नहीं सकता था. बहुत अच्छा बोलती हैं. अरे वो कैसे बोलती हैं, जबरदस्त बोलती हैं. व्हाटएवर शी बिलीव्स इन, उनके क्लाइंट अपना केस नहीं हार सकते थे भाई. शी इज वेरी गुड. बहुत कन्विक्शन के साथ बहुत जबरदस्त बोलती हैं. शाइस्ता लोधी. आई थिंक वो जो ब्यूटिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट, शी इज नाउ डर्मेटोलॉजिस्ट. बट आई थिंक शी कैन सेल एनीथिंग. कोई भी बिजनेस करेंगे, उनकी स्किल्स ऐसी हैं, वो सामने वाले को पता ही नहीं चलना कार्ड खाली कैसे हुआ. शी इज सो गुड एट इट. ओके मीरा. मीरा, मीरा जो कर रही है बेस्ट है. क्या वो ही करती रहे वो हमें ऐसे ही पसंद है. जो कर रही है ना वो बस डू डैट डू डैट. साहिर लोधी. सिंगर, आई थिंक सिंगर. हाँ, दो बात कहते कहते मैंने कहा नहीं, पैसे ने कहा था पंगा ना लेना किसी से, गलत बात ना करना नादिया, बी अ गुड गर्ल, कोई गलत बात ना करके आना. मैं कहा ओके. तो सिंगर. ओके सादिया इमाम. सादिया 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 का उनको मॉर्निंग शो होस्ट करना चाहिए. ओके, यू थिंक शी इज अ गुड मॉर्निंग शो? हाँ हाँ, कर सकती हैं बिल्कुल, क्यों नहीं. And she wanted to at one time also. She did for some time. है ना, कुछ थोड़ा सा किया भी था, करना चाहिए. सुहेल वराइट साहब. उनको भी मॉर्निंग शो करना चाहिए. अच्छा. हाँ. You think he'll be a good morning show? अरे excellent, हम रोज उनको देखना चाहते हैं. फिर तो ब्रेक ही नहीं ले पाएंगे. He, I love him. He's such an intelligent man. इतना मजे का बोलते हैं कि उनको सुबह कभी कभी आप सुबह सुबह देखते हैं ना किसी को, कि जो बड़ी सीरियस बात बड़े बड़े मजे से बताते हैं.
तो दैट्स अ फन ऑफ इट कि आपको वो इतनी नॉलेज देते हैं बट इतने कैजुअली कि मजा आता है और किसी से कुछ भी बुलवा लेते हैं. यासिर हुसैन, यासिर हुसैन को क्या करना चाहिए? यासिर बहुत सारे काम कर सकता है, मल्टी टैलेंटेड है, कुछ भी कर ले. एंड आई थिंक रियल एस्टेट. रियल एस्टेट? हाँ. Okay. वो भी किसी को कुछ बेच दे. पूरा ना पूरा प्रोजेक्ट बेच दे जिसका वजूद ही ना हो. नूर बुखारी. अच्छा, नूर, नूर यूट्यूबर. ओके. कुछ पिछले दिनों वो कर रही थी तो वो फिल्म स्टार, एनीथिंग, शी इज वेरी टैलेंटेड. ओके, लवली. नेक्स्ट क्वेश्चन जी, शादी के बाद नादिया की जिंदगी में आने वाले कोई दो बड़े मजे के चेंजेस हमसे क्यों शेयर करेंगी भाई? दो मजे के चेंजेस, ये कैसा सवाल है? नहीं, क्यों नहीं? हाँ चलो, जो शेयर कर सकती वो वाले. नहीं, कोई खाने पे इंतजार कर रहे होते हैं, मैं भी, वो भी. We make sure that we eat कितनी together. क्यूट बात है यार, कितनी क्यूट बात ये होता है. नहीं, फैसल बहुत स्पॉइल करते हैं. अच्छा, अच्छा. और एक सबसे बड़ा तो इनको ये था कि भाई जो सब देख के हैरान होते थे कि जी अगर मैं गाड़ी से उतर रही हूँ तो ही विल ओपन द डोर फॉर मी, ही विल मेक श्योर कि मैं बैठ जाऊँ आराम से. शुरू शुरू के दिनों में होता है, उसके बाद कुछ अरसे बाद वो आहिस्ता 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 दरवाजा खुला बंद हो जाएगा. हम बचपन से, मैंने अपने अब्बा को भी करते हुए देखा, मेरे घर में यही होता है, कोई मेहमान भी होता है हम उसकी गाड़ी का दरवाजा भी नहीं, मैं बीवी के लिए दरवाजा, बीवी के लिए भी खोलते दरवाजा. यार ही इज द सॉर्ट. यार आप मिलेंगे ना तो आपको पता चलेगा इज वेरी केयरिंग और वो करने वाले हैं. नहीं, अच्छे केयरिंग आदमी कम देखे ना. अच्छा, और कबर मेरी आदत ये है कि मैं तो फट से निकल जाती हूँ, दरवाजा खुले बहुत फास्ट निकलती हूँ ना मैं, तो फिर वैसे खड़े हो जाते बहुत जल्दी. आपको वापस जाए, फिर मैं वापस बैठती हूँ, फिर दोबारा से दरवाजा होने की हैसियत से और फिर एक सेलिब्रिटी होने की हैसियत से एक नेचर में भी होता है कि आप ऑब्वियसली तैयार भी होते हैं. आपको लोग कमेंट्स करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे तो भी करते हैं कभी कभी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन जिंदगी में फर्स्ट टाइम आपको कोई दिन में 5-6 दफा कहा है कि तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो. ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल. ओह माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल. इट्स लाइक दैट ड्रीमी रिलेशनशिप. नहीं, या इट इज एक ऑल दी ग्रेट. मैं बिलीव नहीं करती थी ऐसी चीजों में, मुझे लगता था ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये होता नहीं है. नाउ इट्स हैपनिंग विद मी, तो माशाल्लाह. मैं मेरी अपनी थियरीज गलत हो. नादिया की पर्सनालिटी, नादिया की पर्सनालिटी तभी चेंज हो रही है ना. ये थोड़ी मैं देख रहा हूं कि थोड़ा वो आ रहा है, एक निखार, एक चुलबुलापन, एक वो इन्हीं चीजों से आता है ना. नज़ाकत आल्सो. नज़ाकत पहले क्या मतलब? पहले नज़ाकत नहीं थी? बकवास नहीं करना चाहते सर. नहीं, नहीं, क्या मतलब है इस बात का? नो नो, नादिया जो पता है क्या कह रही है, पहले क्या नज़ाकत? अब ना वो ठहराव आ गया. आप देखिए, हाथ भी ठहराव बोले, नज़ाकत भी कम मिल रहे हैं. क्या हो गया? नज़ाकत भी होती है. नहीं, वो सही कह रही है कि मैं पहले बहुत हाइपर हिलती जुलती थी. अभी मैं बड़ी तमीज से टिक के बैठी हूं. ओके ओके, ठीक है. शी इज राइट. हां, शी इज राइट. यस, शी इज वेरी राइट. यस, आई एम ऑलवेज राइट. ओके जी, आगे बढ़ते सर जी. सर हमसे कर सवाल करेंगे सर हमसे, रैपिड फायर, ऑलमोस्ट रैपिड फायर. दिस वाज सपोज्ड टू बी रैपिड फायर. ये रैपिड फायर तो कहीं से नहीं था. ऐसी तशरीहात दी है नादिया ने मुझे कि रैपिड फायर रहा नहीं. अच्छा, आगे सनम, इंडस्ट्री का सबसे फ्लर्ट हीरो एहसन खान. सीरियसली? सनम के साथ कभी फ्लर्ट नहीं किया? ट्रू. नहीं किया ना? ट्रू. क्योंकि सनम हमारी दोस्त है. क्योंकि सनम हमारी दोस्त है. क्योंकि हमें ये पता है कि सनम के साथ किसी ने फ्लर्ट किया उसको कुट पड़ेगी जबरदस्ती. कोई रिस्पांस नहीं आएगा आगे से, छोड़ दो. जाहिर है, हालांकि सनम इज ब्यूटीफुल बट स्टिल हम मतलब सबको हमें पता है. हाँ. अच्छा जी, घर का कौन सा काम करते हुए जान जाती है? पोछा. पोछा बहुत बुरा लगता है, कमर में दर्द हो जाता है. हाँ हाँ, सही कह रही हूँ. मतलब मैं बड़ी कोशिश करती हूँ ये जल्दी 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 हो जाए. आई हेट पोछा. पैरों से लगाया करो ना यूं करके, वो जो या वो सही से नहीं लगता, आपको रगड़ना पड़ता है प्रॉपर्ली. क्या हो गया? तो अब वो डंडे वाला जो आता है यूं करते हैं. हाँ, अब वो ही लिया है मैंने. देखिए, तुम खुद करती हो? कभी करना पड़ता है ना. नहीं, ऐसे क्यों पूछा खुद करती हो भाई, ये खुद ही कर सकती वो. मुझे कोविड हो गया था ना, तो घर में कोई भी नहीं आ जा रहा था. वैसे इन महीनों में तो हम सबने सफाइयां की. अच्छा, इतने पोछे, जितनी मेड्स की और जितने बेचारे हमारे हेल्पर्स की कदर आई है ना खवातीन को. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो. ऐसे जब मैं झाड़ू लगाती थी ना, कोने कोने से निकाल, जैसे मैं उसे कहती थी ना, दिख नहीं रहा क्या?
कोने में, तो फिर मैं कहती थी बेचारी कितनी मेहनत से करती थी ना, मैं उसको क्यों कहती थी दिख नहीं रहा, बट एक्चुअली एग्जैक्टली जब आप कर रहे होते ना रह जाता है, और क्योंकि झाड़ू में से भी आई डिडंट नो पहले, क्योंकि झाड़ू में से भी उसका अपना वो इतना निकलता है. हाँ तुम लोग किसी ने झाड़ू, किसी ने झाड़ू लगाया इधर, ये कौन सा दुख है जो बोलो शट अप, झाड़ू खुद उसका अपना कचरा इतना निकलता है कि वो आज रोजाना आजकल की मॉडर्न खवातीन के गम सुन ले आप, झाड़ू में से वो निकल आया और पत्थरी ऐसे बैठ के थी, ये क्या इतना दुख है, बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत तुम्हारोगे तो तुम्हें पता चलेगा. नहीं मेरी बेगम ही दो दिन बाद किचन में जाने के दो दिन बाद ड्यूरिंग कोविड शी वाज लाइक कि यार आई एम मिसिंग मुझे कभी अफसोस नहीं होता अपना कोई प्रोजेक्ट करने के बाद, लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा था, देखो इसके एक्सप्रेशन झूठ नहीं, मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें जो मेरा जो कैरेक्टर था ना वो इतनी बेचारी थी कि मतलब वो अनबिलीवेबली बेचारी तो थी ही, लेकिन उसने इतना रोया है राइटर ने उसको इतना रुलाया है कि मैंने कहा यार इतना नहीं होना चाहिए था, मतलब कि कौन सा, मतलब मुझे उससे क्या नाम था याद नहीं आ रहा ना, है ना मुझे भी जब मैं पहली दफा दुबई नादिया के शो में गया तो नादिया ने शो शुरू कैसे किया, आज तक नहीं मुझे बोलता, याद है नादिया, नहीं यार नादिया को तो याद नहीं हो गया, नादिया ने अखबार खोला सामने बिल्ली की एक तस्वीर थी, नादिया को जैसे कहती कि जो बिल्ला है ना मेरे घर के बाहर आके बिल्ला बैठ गया, थोड़ी बाद मेरा क्लोज अप आया यूं करके, मैंने कहा यार ये तो इंटरनेट मुझे बिल्ला कह गई, जो स्क्रिप्ट थी ना वो लड़की उसने बहुत रुलाया लड़की को, तो मुझे होता था कि यार ये नहीं इतना, क्योंकि वो मेरा कम बैक था ना, तो मैं मुझे नेगेटिव ही करना चाहिए था, तो मुझे वो नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा था. She just cried, the girl cried too much, but it was in the script, so I did it. Okay, okay, cool. Achha ji, industry mein kisko apna... I don't know what's going to happen after this. Nothing. Don't worry, nothing. Industry mein kisko apna sachcha dost manti ho? Imran Abbas. Yani hum toh kisi khate mein nahi, Adnan, Siddiqui, main... Haan, mere bhi, bahut achhe friend hai. Haan. एक्चुअली मैं इमरान से बहुत चीजें डिस्कस करती हूँ, एसन भी मेरा अच्छा दोस्त है, ऐसी बात अदनान भी, अदनान भी है, अदनान भी है, क्यों नहीं तीन नाम के लिए लिया, चल हुआ क्योंकि ठीक है यार इमरान, ठीक है ठीक है, सबसे पहले मैंने इमरान के साथ काम किया है ना, हाँ इसमें सना ने बोला था मुझे इमरान के साथ आना है, किसमें, इस शो में, अच्छा हाँ तो देखा, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या आप, तो मैंने कहा इमरान, इमरान की एक बहुत अच्छी बात है, देखिए सब दोस्त हैं, कुछ लोग सिर्फ क्लेम करते हैं, कुछ लोग होते भी हैं, इमरान मेक्स एन एफर्ट, इमरान अगर आपका कोई अच्छा काम आया ना वो पोस्ट लगा देगा कि ये देखें कितनी अच्छी नादिया ने आज शो पे बात की, सनम ने अच्छा काम किया, ही मेक्स एन एफर्ट, ही इज एक्सप्रेसिव और दुनिया के सामने तारीफ करता है, और अगर कोई बात हो जाए ही इज द फर्स्ट वन टू कॉल, ये नहीं फ्रेंड्स हैं जो स्टेटस लगा, स्टेटस भी नहीं कॉमेंट में लिख देंगे कंग्रेचुलेशन, बट तमीज ये होती है कि आप खुद फोन करें और किसी को विश करें या पूछें, इमरान डज दैट, इमरान यस ऑफ कोर्स, या वो मेरी भी शादी में आते हैं, इवन यू केम मैंने कहा ना इवन यू केम, बट इमरान के साथ मैंने सबसे पहला दिल मुस्तर किया था, एंड उस वक्त मैं तो आई वाज नथिंग यू नो, आई जस्ट स्टार्टेड एक्टिंग, ही इज अ वंडरफुल गाय, ऑफ कोर्स, एंड ही इज अ सुपर, आगे चलें, ये लगता है मुझे कट हो जाएगा, आगे चलें, जब मॉर्निंग शो किया तो खुद में सबसे बड़ा चेंज क्या देखा, जब मॉर्निंग शो किया उसके बाद क्या चेंज आया जिंदगी में, अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, मैंने काउंट में चेंज आया था, नहीं मैंने सीखा कि मुझे लोगों को काटना नहीं आता, हाँ मैंने सीखा, मतलब काटना नहीं आता, जैसे अभी आपने मुझे कहा ना आगे चले, तो मुझे वो चीज मैंने नहीं सीखी, ये बहुत बड़ी गलती हो गई, लोग बोलते रहते आप कट नहीं करते, मैं बहुत ज्यादा जी, मैं तो PhD हूँ उसमें, अच्छा हाँ वो तो मुझे पता है, PhD हूँ मतलब 9:11 मतलब 11, तो मैंने जो एक चीज सीखी है वो वक्त की पाबंदी है,
That's a very good thing. Yeah. That's a very good thing. Favorite morning show host कौन है? Okay. So far. नहीं जरूरी नहीं कि नादिया सामने बैठी हो नादिया का नाम. नहीं नहीं नहीं. Typical यार. नहीं 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 shut up. अच्छा ठीक है. भाई मैं. सना मुझे तीसरी बार shut up कह चुकी है show में. क्या हो गया? ये देखें कि कितनी. ये दोस्ती की level है. मेरा director कह रहा दो मर्तबा. Women empowerment check करें. Women empowerment check करें. सना मुझे कभी भी शट अप कह सकती है. हाँ कोई बात नहीं, आप भी मुझे कह सकते हैं. बात यह है कि मैं ऑनेस्टली मॉर्निंग शोज मैंने किसी और के देखे ही नहीं कि मैं कंपेयर करके कह सकूं कि मुझे ये शख्स ज्यादा अच्छा, ये होस्ट ज्यादा अच्छा. कोई होस्ट जो बहुत पसंद है, चलो जैसे मुझे एलन बहुत पसंद है. या आई लाइक एलन टू, बट नेम समबडी यार. तो मैं ऑनेस्टली मैं नहीं देखती, मैं टीवी शोज और ये सब देखती नहीं हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा. नादिया के शो कभी नहीं देखा? मैंने पूरा शो कभी भी नहीं देखा होगा. मैंने कोई क्लिप यूट्यूब पे देख लिया, छोटी सी. नहीं मैंने तो देख लिया. ऑनेस्टली मैंने कह दो उसी पे. बट मैं कैसे कह दूँ, मैं आई हैवंट कंपेयर्ड. सबके पूरे देखूंगी तो बताऊंगी ना. हाँ ठीक है, और बीच में याद आएगा तो बता दो. अदरवाइज होस्ट कौन अच्छा लगता है बहुत ज्यादा? ये अब चाह रहा है इसकी तारीफ करें. या गिव मी सम ऑप्शंस. I think Wasim Badami is a great host. Yes, yes. Wasim Badami is a great. I was going to say there is no option. Of course, yeah, मुझे याद आ गया. हाँ, Wasim Badami is a good host. Yeah, he's a wonderful host. अच्छा जी, director. Don't look at me like that, please. Director, जो मुझे बहुत पसंद है, extremely. यानी काम करना उसके साथ बहुत मजा आता है, जो एक. मैंने हसीब हसन के साथ कभी काम नहीं किया. But you like his work. I like his work. मुझे एक दफा यारे दिल था या कौन सा था, मुझे याद नहीं आ रहा. वो ऑफर हुआ था और मैंने नहीं किया था. तो और फिर एक और दफा एक और चीज ऑफर हुई थी, मैंने नहीं किया था. I'd love to work with हसीब हसन. ठीक है. किस चैनल के साथ सबसे ज्यादा काम करना पसंद है? क्या सवाल है? हम टीवी. ऑप्शन ही नहीं है और वजह कोई? मैंने किया ही नहीं कहीं काम, तो मुझे पता ही नहीं. अगर आई हैव नेवर वर्क्ड एनीवेयर एल्स, तो मुझे पता ही नहीं चला बाहर काम करना कैसा होता है. ठीक है, अगर आज बाहर जाने का मौका मिल जाए शौहर के पास, तो मैं सारे काम छोड़ के चली जाऊंगी, सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी. ऐसा ही है. यू लीव द इंडस्ट्री एंड यू नेवर कम बैक. नो, ये देखो, अब नाउ दैट्स अ डिफरेंट थिंग. I will come back. Why not? अभी तो मैं अलाया की वजह से नहीं जा सकती ना. अगर अलाया को वीजा मिल जाता है तो ऑफ कोर्स मैं तो जाके 6-7-8 महीने उधर ही रहूं, फिर आऊं थोड़ा. इफ आई वांट टू, इफ आऊं मैं कुछ काम करूं फिर चली जाऊं. हाँ. अच्छा, किसी को एडवाइस देनी है, नाम आपके सामने होगी तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे? सबसे पहला नाम है नादिया खान. पता नहीं यार. नादिया खान को मैं क्या एडवाइस दूँ? इनको एडवाइस की जरूरत नहीं है, बिकॉज शी इज जस्ट. नहीं मैं बता रही हूँ इनको. कोई तो एडवाइस. सुपर. क्या आप कम प्यारी लगे हैं? नहीं कम प्यारी क्यों लगे? कम प्यारी वो कह रही क्यों, मैं ज्यादा प्यारी लगना चाहती. क्या मसला? किससे लड़के आए आज? हाँ किसी से नहीं. नहीं मुझे नादिया खान कोई एडवाइस नहीं देनी. हाँ मैं कह सकती थी जरा आप यू नो जरा काम रहा करे, लेकिन शादी के बाद तो वो हो गया ना खुद से ही. खुद से ही हो गया. ठीक है, एनर्जी चैनलाइज होगी ना अच्छी जगह पे, तो इसलिए वो एनर्जी जो नादिया में है. अच्छा, इमरान अब्बास को राय क्या देंगी? इमरान अब्बास को किसी राय की जरूरत ही नहीं है. शायद कोई सोचो. बाल भी बड़े कर लिए थे उसने बीच में, बाल काट भी लिए थे, तो मैं नहीं, कोई राय नहीं, कोई राय नहीं है. ठीक है, कराची शिफ्ट हो जाए. अच्छा क्या? कराची शिफ्ट हो जाए. कराची शिफ्ट हो जाए, ये राय है. मीरा को? मीरा को मैं क्या राय दूं? मुझे एक्चुअली समझ नहीं, मुझे मैं बता रही हूँ मुझे मीरा जी समझ नहीं आती. और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, आई थिंक शी इज़ वेरी क्यूट, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या है, कि क्या सीन क्या है. तो इसलिए मतलब समझ नहीं आ रहा तो राय भी नहीं दे सकते. नहीं मैं क्या राय दूं मैं? मैं वही सोच रहा हूं कि काम करें मीरा जी, आप काम करें प्लीज, हमें आपको स्क्रीन पे देखना है. ये राय दे, अब आप एक्टिंग करें, सिर्फ फिल्म नहीं लेकिन ड्रामों में भी करें. अदनान सिद्दीकी को क्या राय दोगी? अदनान सिद्दीकी को मैं क्या राय दूंगी? उसके लिए बांसुरी कम बजाया करो. नहीं नहीं बांसुरी ज्यादा बजाया करो. ये मैं बोल दूंगी तो नाराज हो जाएगा. लो वो तो हर बार नाराज हो जाएगा. कंजूसी खत्म कर दो, कंजूसी खत्म कर दो. बहुत कंजूस है अदनान सिद्दीकी असल में. हां ये दान से पूछना पड़ेगा यार, मुझे मालूम नहीं, because मेरा time, you work with him as a hero in some play. Yeah, I have. So you've spent a lot of time with him. नहीं, वो वैसे नहीं, मैं ऐसी सुके कंजूस कहती हूँ. Okay, ठीक है. शाइस्ता लोधी को क्या राय देना चाहोगी? शाइस्ता लोधी को मैं क्या राय देना चाहूंगी?
कि ओवर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए और चीजें ज्यादा दिल पे एकदम से नहीं लेनी चाहिए. इफ्फत उमर को क्या राय देना चाहोगी? ओके मैन, शी इज हॉट. ओके, शी एग्जैक्टली नोस कि सवाल किस तरह पूछना और जवाब नहीं देगा, तो मैं जवाब निकाल के दिखाऊंगी. कैसे नहीं बता रही? व्हाट्स योर एज? गिव मी अ नंबर. तो मैं ये बता रही हूँ कि मैं क्या राय दे सकती हूँ. शी नोज व्हाट शी वांट्स एंड शी इज गोना गेट इट. ऑफ कोर्स. सो मैं ये कह सकती हूँ, टेक इट इजी इफ यू वांट टू, अदरवाइज यू गुड मैन. मेरे सारे कार्ड्स जाया हो गए आज के. और बहुत अच्छा, वेरी वेल प्लेड नादिया एंड सरम, थैंक यू वेरी मच. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए और नेक्स्ट गेम की जाने बढ़ेंगे. लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. वेलकम बैक जनाब. मुझे इतनी खुशी हुई कि जैसे वेलकम बैक का कैमरा ओपन होता है ना, तो मैं और सनम तो चलो जो कर रहे थे कि नादिया की जो एक टिपिकल स्माइल है ना, वो जब कैमरा ओपन होता है वो ऐसे आई और गई. आई होप दे हैव कैप्चर्ड इट. नादिया, ये एक रूटीन बन गई कि वेलकम बैक और आना. एक नादिया की और आदत है, जब ब्रेक पे जा रही है नहीं, एक और चीज, जब ब्रेक पे जा रही होती है ना नादिया, आप लेते हैं ब्रेक और उसके बाद बातें शुरू होती लोगों से. बहरहाल यहाँ पे कुछ और होने वाला है, सवालात करेंगे और हमारे सेगमेंट का नाम है काटेगा नहीं. कौन ये खुद अभी काटने की बात कर रही थी सनम थोड़ा पहले, इसीलिए हमने इसका नाम रखा काटेगा नहीं. ठीक है भाई, नेक्स्ट. ताकि सनम को पता लगे कैसे नहीं काटते. ठीक है. अच्छा, इसमें एक बहुत प्यारे प्यारे हमारे पास कुछ जानवर हैं, सांप, मगरमच्छ, बिच्छू टाइप, जो बिल्कुल मतलब कुछ नहीं कहते. क्या हो गया? सांप, मगरमच्छ, बिच्छू टाइप. खुद तो कह रही थी वी लव एनिमल्स. हाँ बट सही है, वो गोद में आएंगे, प्यार करेंगे, उनको पकड़ना पड़ेगा बास्केट में. हाँ, एक मिनट देखो, अभी दिखाता हूँ. एक मिनट, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना हरगिज. आई नो इसमें. ओह माय गॉड, ऐसे नहीं, क्या कर रहे हो? मेरी साड़ी ऐसे नहीं फैलाई हुई थी स्पेशली. क्या बात है नादिया, देखें 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 देखें, इसमें बिल्ली है. बिल्ली बिल्ला. ए इतने बड़े बड़े रैबिट्स, कितने क्यूट हैं. बीच वाले रखवाना, वो ऊपर वाले बहुत बड़े हैं. यू वांट टू होल्ड दिस? नो. लेकिन आपने जिस ब्रांड का नाम लिया वो नहीं पहना. अच्छा जी, सवाल करेंगे हम आपसे और जो जवाब सही देगा उसको ये खरगोश नहीं मिलेगा. ठीक है. और जो जवाब नहीं दे पाएगा, यहाँ गलत देगा, यहाँ गलत देगा, उसको ये खरगोश दे दिया जाएगा. सही है, ठीक है, रेडी. पहला सवाल दिखाइए जी, क्या है स्क्रीन पे? पहला सवाल ये है कि व्हाट इज द फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट, या विच कॉन्टिनेंट जो है वो फ्लैट है सबसे, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या एंटार्क्टिका? तो आप किससे पूछ रहे हैं? दोनों में से जो पहले बताएगा. सनम ने हाथ उठाया, पढ़ो सनम. हाथ पक्का, बोल 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 बोल. मैं देखो कि मुझे नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है. चश्मे कॉन्टिनेंट में से सबसे फ्लैट. आई थिंक इट इज ऑस्ट्रेलिया. इज इट? सनम ने कहा ऑस्ट्रेलिया और नादिया का जवाब यूरोप. यूरोप. बट शी सो कॉन्फिडेंट. आई नो. इज इट अ तुक्का? आई थिंक शी नोस द आंसर. इसका मुंह कहाँ है? मुझे लगता है यही है, ऑस्ट्रेलिया है. यार मुझे कॉन्फिडेंस की दांत देनी पड़ेगी, जो भी जवाब दूं मैं कॉन्फिडेंस से दूं. साड़ी. सलम ने क्या कहा? ऑस्ट्रेलिया. नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया है. गलत है, सलम का जवाब सही है. मैंने कहा कुछ तो जवाब. क्यूट यार, साड़ी के साथ कितना मैच कर रहा है ना, वो फर आ गई अचानक से पास. ओके नेक्स्ट, आओ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. क्या क्या और आएंगे? Alamgir's first song, Albela Rahi, was sung in 1970, 1973 and 1975. Alamgir ka pehla gana, Albela Rahi. Nadia ka pehla.
ये नादिया को पता होगा. 1970, 1973 या 1975? 75. नादिया ने कहा 1975 और सनम का जवाब है. How about अगर एसन तुम ये बताओ कि ये जवाब सही है कि नहीं, अगर तो फिर मैं ए और बी में से चूज कर लूंगी. मैं क्यों बताओ, एक चूज कर लो. ना, इन पिन सेफ्टी पिन, इन पिन आउट. इनी मिनी मैडम. इट्स सेइंग जो ये 1973 है ना, इसको कह रहा आउट. तो ये रखना है या ये बच्चा है 1970. You say नादिया खान ने 1975 कहा है, तो मैं भी अगर 1975 कहूं और हम दोनों के जवाब गलत हो, अगर दोनों को खरगोश मिल जाएगा. दोनों को खरगोश मिलेगा. एक नादिया ने तुक्का मारा है. मैंने कॉन्फिडेंस से तुक्का मारा है. ओके फाइन, कम ऑन सनम, इतना टाइम नहीं. ओके 1970. व्हाट? हेलो बेबी, व्हाट आर यू डूइंग? ओके एक सेकंड, उसने नैपी नहीं पहनी हुई, तो फिर मैं ना ये यूं करके उसको बेबीज की तरह. क्यूट, कितना क्यूट है यार. हाँ बहुत क्यूट है. कितना अच्छा लग रहा है. क्यूट. और ये मत समझो कि सनम को रैबिट मिला है तो नादिया को नहीं मिलेगा. नादिया का जवाब भी गलत है. मेरे पास रैबिट है जवाब. मेरे पास है रैबिट पहले से ही. तो उसका क्या मतलब है कि हम और नहीं दे सकते आपको? नहीं, बहुत ज्यादा हो गए. अभी तो आ रहे हैं ऐसे से. अगला सवाल दिखाइए. How many times Pakistan won the Blind Cricket World Cup? Zero times, one time, या two times? How many times Pakistan won the Blind Cricket World Cup? इतने मुश्किल मुश्किल सवाल कर रहे हो, हमारा उनसे क्या ताल्लुक है? B. हाँ? B. ये क्या है? Blind Cricket? सर ने कहा B. और नादिया? जीरो. आई थिंक ऑप्शन ए. आई डोंट नो, पता नहीं. मैं बस और जगह नहीं है क्या है? बस. ओके, यू नो व्हाट, मैं घबरा गई है. एक सेकंड, नादिया ने कहा जीरो. नहीं, मैं कहूंगी टू. क्यों बजा अब टू कर दिया फौरन? क्योंकि मुझे लग रहा है कि सी है, क्योंकि बस मुझे लग रहा है. क्यों नहीं? साला बहुत कंफ्यूज हो गई. क्या कर रहा है? भाई नहीं है, हेल्प करा तो. हेल्प करा. कौन सा? हेल्प करा. सी टू. हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान वन द ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप? आओ जरा बेटा. प्लीज, आई डोंट वांट इट यार. हां, मेरा बच्चा इसको तो ना ही दो तो बेहतर है. प्लीज एसएन, इसको तो ना, मुझे नहीं देना. कितनी बार जीता? कितनी बार जीता? सी, दो दफा. बिल्कुल सही. ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? आई बेचारे को सही तो बिठाओ. मुझे पहले बता रहा था, मैं साड़ी ना पहन के आती. ऐसे कोई बात नहीं, अब तो जो हो रहा था हो गया नादिया. अगला सवाल ये है, विच कंट्री हैज 27 स्टार्स इन इट्स फ्लैग्स? सिंगापुर, ब्राजील, ये सोलोमन आइलैंड? उसका तो मुझे याद ही नहीं है फ्लैग. बोलो बोलो जल्दी बोलो, मुझे भी नहीं याद. फ्लैग दिखा देंगे. ब्राजील. टू. यू नो व्हाट, शी इज राइट, इट्स ब्राजील. शी इज राइट. कोई तो मुझे मुझे ये नहीं पता कि 27 स्टार्स है कि नहीं, लेकिन ब्राजील के फ्लैग में ढेर सारे स्टार्स हैं और यही होगा फिर वो. दोनों का जवाब बिल्कुल सही है. बड़ा दिमाग चलने लग पड़ा अचानक से. अच्छा, मुझे नादिया के एक्सप्रेशंस इतने अच्छे लगते हैं, जो तुक्के वाले वो सब जवाब भी है ना, इतने कॉन्फिडेंस से सी. और जब सही हो गया, इतना दिमाग चल रहा है. कॉन्फिडेंस की इंतहा नहीं है. आप ये देखिए, तोते कितने, तोते क्या खरगोश. मेरा दिल कर रहा है, मुझे सवाल मैंने शुरू में किया था ना कि इंडस्ट्री में दिमाग की किसको जरूरत है. मैं रख लूं वो दिमाग. मैं रख लूं. किसका दिमाग? किसी का? नादिया का. नादिया का लेके. अच्छा, अगला सवाल. डायनामाइट वॉज इन्वेंटेड बाय द नेम्स आर अल्फ्रेड. मैं व्हाट द हेल, किसने? अल्फ्रेड नोबल, सवाल कर रहा है. थॉमस एडिसन, विलियम डेविस. कौन था? कौन था? कौन था? ये क्या था? मैं था, तुम थी, कौन था? डायनामाइट वॉज इन्वेंटेड बाय. सिंपल, ये बच्चों को पढ़ाते ए है या सी है? बच्चों को पढ़ाते कहीं पता चला होगा. या बी है?
आप बताएं यार, क्योंकि सबसे ज्यादा नाम तो हमने अल्फ्रेड नोबेल का ही सुना है लेकिन थॉमस एडिसन ने क्या किया था? इसने बल्ब नहीं बनाया है ना? नहीं, अल्फ्रेड वो नहीं है, टू नहीं है, बी नहीं है. ऑफ कोर्स इट्स नॉट थॉमस एडिसन. उनको कुछ चूज करना है तो सी. आई थिंक इट्स ए. ए. सो यू सेड अल्फ्रेड नोबल एंड यू सेड विलियम डेविस. What did William Davis do? उसका तो नाम भी नहीं सुना, पहले वाले का नाम फिर भी सुना हुआ है. तो देख लेते हैं. किसको जाने वाला ये प्यारा सा खरगोश, little baby. Please, yeah, नहीं please, not me. मेरे पास ही आना है फिर. तू फंसवाया. मेरी बात क्यों नहीं मानी नादिया? क्या मतलब मेरी बात क्यों नहीं मानी? कौन सा हेल्प कर रहे हो मुझे? अगला सवाल. Who was the director of Pakistani animated movie The Donkey King? Think about it guys, it's easy. Ali Raza Osama, Asim Abbasi या Aziz Jindani? I think Aziz Jindani. हाँ वही है. हाँ वही है. या तो अब दोनों फंसेंगे या तो दोनों निकल जाएंगे. यार मुझे लग रहा है आज खरगोश कम पड़ जाएंगे. ओश. दोनों का जवाब सही है यार. अल्लाह का शुक्र बच गए. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. मुझे नहीं पता था. अगला सवाल. तुक्का मारा है. जीएसटी वाज फर्स्ट इंपोज्ड बाय व्हिच कंट्री इन द वर्ल्ड? जीएसटी वाज फर्स्ट इंपोज्ड बाय व्हिच कंट्री इन द वर्ल्ड? इटली, फ्रांस या जर्मनी? आई थिंक इट शुड बी जर्मनी. इट शुड बी जर्मनी. है तो यूरोपियन कंट्री में से कोई एक. हाँ जी नादिया. जर्मनी. ये क्या बात हुई? मुझे भी यही लग रहा है. क्या करूं? वो तो सो ही गया ना. तो मजा आ रहा है मुझे. अच्छा यार हमें मौका दे दो ना फिर से यार. अगर हमारा गलत है दो में से मेरे हिसाब से. नहीं नहीं मौका तो मजा आएगा. मौका तो मजा आएगा. दो बच गए ना, हम उसमें से एक चूज करेंगे. कौन सा था सदम? मैंने बोला जर्मनी, उन्होंने भी बोला जर्मनी, लेकिन अगर ये गलत जवाब है तो दो में से हम चूज कर लेते ना प्लीज. हम चूज कर लो. ओके चूज कर लो दोनों में से. जवाब गलत है. मतलब जर्मनी नहीं है. जवाब गलत है. हाँ. ओके तो इटली और फ्रांस में से कोई एक होगा. फ्रांस होगा फिर मुझे लगता है. हाँ यार वैसे फ्रांस हो सकता है. फ्रांस ज्यादा स्मार्ट है. ओके यू सेड डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे. यू सेड फ्रांस. नो आई सेड इटली. यू सेड इटली. फ्रांस है. फ्रांस आई एम श्योर. बस आई एम सेइंग फ्रांस. आई एम गोइंग विद फ्रांस. दिखाइए जी सही जवाब. I'm sorry, Sanam. I'm so sorry. अबे पीछे हट. अच्छा खासा मैंने भी फ्रांस. देखो इतने प्यारे पिते पिते दे रहा हूँ मैं. छोटे छोटे सनम कैसे में छोटे छोटे आ रहे हैं वो देखो. माशाल्लाह मजे से बैठे हुए यार. अगला सवाल दिखाइए. हो गए मजे से. हो गए. Next question. What was the name of the first ever morning what show? What was the name of the first ever morning show in the history of Pakistan? Subah Bakhair, Haste, it was yours? Haste Subah, nahin, ya Jaago Jaago Subah Hui? So A. Mujhe bhi lagta hai. Subah Bakhair, I think. सुबह बखैर लग रहा है. हंसते सुबह तो नहीं हो सकता. जागो जागो सुबह हुई भी नहीं हो सकता. अगर ये नादिया का गलत हुआ तो सारे खरगोश नादिया की गोद में डालो. है ना सूरन? नहीं भाई बताओ. अच्छा हटो सामने से हटो. जागो जागो सुबह हुई. ओके अब तो खैर नहीं है. सनम ने कहा जागो जागो सुबह हुई और नादिया ने कहा सुबह बखैर. नादिया मुझे आपसे यही उम्मीद थी. अगला सवाल क्या है दिखाइए. इधर रख दो इसको. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which PTV program was hosted by Prime Minister Benazir Bhutto the late during 1970s? Pakistan Today, Outlook या Encounter? अच्छा कौन सा? Which PTV program was hosted by लल्ला by I think I've seen this तो मैं 1970s यार 1970s में तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी यार. मुझे क्या पता. तो मैं general से सवाल कर रहा हूँ. मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ हम पैदा हुए थे दोनों. मैं भी नहीं पैदा हुआ था. मुझे लगता है आउटलुक होगा. हाँ क्या? पाकिस्तान टुडे भी हो सकता है. ओके सलाम ने कहा पाकिस्तान टुडे और नादिया. मैंने आउटलुक भी बोला. ऑप्शन सी इनकाउंटर. नादिया ने कहा इनकाउंटर. सलाम ने कहा पाकिस्तान टुडे.
मैंने आउटलुक से किसी एक ही गोद में तो जाएगा नॉट मी किसी एक ही गोद कहां जा रहा है बेटा आजा आ जाओ बेबी हेलो बेबी वेयर आर यू गोइंग बेबी सुनो उसको इधर रख दो so cute. वो बेचारा एक के ऊपर एक रख दिया वो सफोकेट हो जाएगा इसको इधर रख दो नहीं वो सफोकेट हो जाएगा नीचे वाला हो जाएगा नहीं होगा बहुत क्यूट लग रहे ओके जी हाँ वैसे उसके बिल्कुल अगला सवाल चार यू गॉट फोर अगला सवाल Who starred in a Pakistani movie? ये दिल आपका वो मोमराना सना फकर साउथ रीमा हमारे से थे आशा खान Who starred in a Pakistani movie? ये दिल आपका हुआ Really साउथ एंड रीमा I've seen this Who? मोमराना एंड सना फकर हाँ ए ए ए ये दिल आपका हुआ जवाब दुरुस्त है दोनों का जवाब बिल्कुल सही है दोनों का So simple, हाँ. so easy. Of course, मोमराना एंड सना एक खरगोश रह गया मैं चाहता हूं ये चला जाए यहां से फौरन ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सोचने वाली बात ओके ओके आई नो यू नो आई नो व्हिच इज द फर्स्ट एवर लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान कायदे आजम यूनिवर्सिटी ज़ेबिस्ट या मेहरिया यूनिवर्सिटी यू सेड यू नो आई नो इट्स नॉट ज़ेबिस्ट ओके ऑफ पाकिस्तान ना इट्स कायदे आजम यूनिवर्सिटी ओके Cool, very confident, yes. हाँ, because बाकी तो considerably new है. A. हाँ ना. दोनों ने कहा कौन सी university? कायदे आजम university. दोनों का जवाब बिल्कुल गलत है. ना करो. बिल्कुल गलत जवाब. नहीं, बस मेरे पास बहुत सारे हैं. Zabist. Yes. Zabist है. Zabist है. नहीं, नहीं ले लो. पाकिस्तान की नहीं है. Zabist international. एफिलिएटेड है किसी और यूनिवर्सिटी के साथ लंदन में नहीं करो ये मेरे साथ वो वो एफिलिएटेड है वो पाकिस्तान का थोड़ी आगे चलेंगे हम अगला सवाल ये गलत है अब जो सही जवाब देगा एक ही गोद में से दूसरी ही गोद में जाएगा दिखाइए जी आई डोंट बिलीव इट वो गलत था वेरी इजी हु इज द फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर नादिया एंड सनम मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब मौलवी अब्दुल हक मीर तकी मीर मीर तकी मीर भी लग रहा है क्योंकि गालिब का नाम ज्यादा सुना है तो ये गिर रहा है 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 इसको रोक लो प्लीज इसको पकड़ लो ये गिर रहा है ओके ओके या इधर सही है लेट हिम गो व्हेयरएवर ही वांट्स टू यहां रख देते नहीं 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 प्लीज यहां रख देते हां ठीक है क्यूट बैठ जा जवाब देना जवाब 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 मिर्ज़ा गालिब या फिर मीर तकी मीर ऑप्शन बी ओके मौलवी अब्दुल हक ये तुक्का है या ऐसे ही है दोनों का तुक्का या क्या है नहीं गालिब ओके सनम ने कहा आई डोंट थिंक इट्स गालिब मीर तकी मीर नहीं ऑप्शन टू लगता है इसको नादिया के शोल्डर पे रखना अच्छा अच्छा आई एम गोना चेंज No, 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 I'm going to change. You can't change anymore. Oh, this is yours. Next question. What did you say? I said, Ghalib can't be Ghalib. Simli Dam Lake is located near... Nadia, you should know this. Options are Mirpur, Attak, Islamabad. Attak. C, Islamabad. हाँ हाँ आई फॉरगॉट इस्लामाबाद है इस्लामाबाद झूठ गलत उसको मालूम है वो वहां से आई हुई इस्लामाबाद से सही जवाब दिए कॉन्फ्रेंस के साथ मैंने भी बताया इस्लामाबाद है अटक किसने बोला मैंने मैं अटक गई थी अटक गई थी ओके फाइन मान लेते हैं ठीक है आगे चलते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट ऑस्कर सेरेमनी हेल्ड ये तो नहीं पता होगा पता है 1923 1929 19, oh God, it is either 33 or 23. I don't remember which three it is. Hai na? First you tell. Nadia, kaun se wala batao? Jaldi. It can't be 33. Jaldi. Okay, B. You know what? She's right. It's 1929. Yeah.
I don't want another khargosh. She's right, it's 1929. जवाब बिल्कुल सही है. तो कब आ रहा दोनों ने? तो कब आ रहा? ओके, किसके पास ज्यादा खरगोश है? एक दो सना के पास कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः. I'm only three and they're so well behaved. कितने नादिया? Well behaved three. नादिया खान is the winner. You right? I have six. I'm the winner. I'm the winner. Asulan. You can keep them forever. Can I take one? Can I take the big one? This yeah, you one. Can. Thank yes, you. Can. I want a little anytime, baby. Anytime. I know they'll be in good hands. Janabi, aap rakhiye ek chhota sa break lenge hamare saath aur ye dekhte rahiye Time Out with Ehsan Khan. फजूल गाना लगाया हुआ है. शादी नहीं करना, शादी नहीं करना. अरे भाई, शादी का कल्चर खत्म होएगा तो मॉर्निंग शो भी बंद हो जाएंगे. क्यों भाई? अरे बच्चियां आई हैं, बच्चियां आई हैं. आप इन लोगों को देख के आई हैं? नहीं हसन, मैंने सोचा कि मैं तुमको एक बता दूं कि मैंने ना अपनी सर्विसेज दोबारा शुरू कर ली हैं. तो कभी भी तुम अपने जिंदगी से मायूस हो और सोचो कि एक नहीं एक और होनी चाहिए, तो तुमने मिसेस खान को कॉल करना है. ओके, मेरी मिसेस खान एक ही काफी है. आप क्यों मुझे दूसरी पे आमादा कर रही हैं? नहीं, क्योंकि अब मेरी क्लाइंटेल जो है ना, वो बेटे इंटरनेशनल हो गई है. तो तुम मुझे बताओ, तो अभी व्हाट्सएप नंबर दो, तो मैं तुम्हें टर्किश प्यारी प्यारी लड़कियों की तस्वीरें मैसेज करूं. आइडिया अच्छा है, लेकिन हम ऐसे करेंगे, किसी वो जो देख रहे ना, उनमें से किसी का रिश्ता करा देंगे. क्यों नहीं. अरे नादिया, बहुत खुशी हुई बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. थैंक यू. मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो, खुशो खाल रहो, बस ताकि तीसरी की नौबत ना पड़े, ना हैट्रिक हो जाएगी वरना. सना माँ, आप बताओ. I told you. I remember जब आपकी शादी हो रही थी कि अपने मियाँ को काबू में रखो, अपनी नजरों के सामने रखो. जहाँ मियाँ रेडियस से बाहर हो जाते हैं ना, वहाँ वो फिसल जाता है. हो गए ना मसले? एक आपको दूसरों की जिंदगी में बड़ा इंटरेस्ट है. आपको क्या मतलब है? क्यों है? और काम ही क्या है? बस शादियां कराना. आप लोग शादियां करते रहेंगे तो हमारी भी रोजी चलती रहेगी. अपनी कितनी शादियां हुई हैं आपकी? अपनी छोड़ें, अभी आपने देखा है वो एक पाकिस्तानी ड्राइवर की सऊदी प्रिंसेस से शादी हो गई. किसने कराई? मिसेस खान ने. और अभी मैं ना इतनी बिजी हूँ आजकल, ना इतनी बिजी हूँ. अमेरिका से एक लड़के का आया कि मिसेस खान, मुझे ना पाकिस्तानी टिपिकल घरेलू लड़की चाहिए. क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को लगता है कि अभी तक हम घरेलू हैं. लेकिन हमने इन्हें कहा कि बेटा, यहाँ की लड़कियों को फेमिनिज्म का इतना भूत सवार है, कहती हैं अपना खाना खुद गर्म कर लो. अरे भाई, मैं कौन सा कह रही हूँ कि बुराई क्या है अपना खाना खुद गर्म करने में? आप मुझे बताएं, एक मिनट. आप तो हमेशा से यही वाले इश्यूज होते थे. आप हमेशा लड़की से क्यों नाराज रहती हैं? हमेशा आप मुझे बताएं कि अगर आपने माइक्रोवेव के बटन दबा दिए तो आप टुंडी हो जाएंगी. तो अगर हमारे शोहर ने भी दबा दिए तो क्या हो जाएगा? देखो, आप ना मर्द को ना, मर्द के पेट का रास्ता उसके दिल से बहुत कनेक्टेड है. यहाँ आपने दो मियाँ को गरम गरम रोटियां खिलाई, वो आपको गरम गरम झप्पियां देंगे. अगर आपको नहीं देंगे तो किसी बाहर वाली को देंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो रोटियां बनाएगा. एक मिनट मिसेस खान जी, बताइए. ये दोनों अपने घर का जो कुकिंग या रोटी पकाने वाला काम है वो नहीं करती? मैंने सुना ये तो बेचारी मेरी पोचा मार रही है. आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेचारी क्या मतलब, उसका घर है, वो करे ना करे, सर चॉइस. आप भी करते हैं. और एक्सक्यूज मी मिसेस खान, मैं आपको एक बात बता दूं. जी बताएं. कि आजकल बड़ी बनाई रोटियां मिलती हैं, बहुत अच्छी है. आपने उसको सिर्फ माइक्रोवेव में कोई 20 सेकंड रखना होता है और इतनी नरम और जबरदस्त होती हैं. पहले आप मेरी बात सुन ले. दूसरी बात, मेरा सारा खाना मेरी सास के घर से आता है. बहुत अच्छा. मैं तो कहती हूँ सास के साथ रखो, ताकि बच्चे तुम्हारे सास ही संभाले. मैं तो अच्छी बातें करती हूँ, लोग ऐसे ही मुझे गालियां देते हैं. गालियां देने से देखिए मैं कितनी मशहूर हो गई हूँ. आज मेरी क्लाइंटेल इंटरनेशनल है. लेकिन मैं आज एक पैगाम देना चाहती हूँ पाकिस्तान लड़कियों को. क्या पैगाम है वो? If you're not capable of getting married, don't get married. If you're not capable of raising children, don't get married. You first learn to be a proper woman and then talk to me. एक मिनट मिसेस खान, capability क्या होती है शादी करने के लिए? मतलब आप
किसको कैपेबल कहते हैं? देखिए, शादी शुद्ध करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ लड़की की है ही है, दोनों हाँ, की है। हाँ सर, ये क्या सिर्फ लड़की की है क्या? वही तो मैं पूछ रही हूँ। देखिए, आदमी जो होते हैं ना वो तो डोमिनेटिंग होते हैं नेचर के। आप अपने लोलो को कंट्रोल में रखें। क्या लोलो? आजकल लड़कियों की इतनी बड़ी बड़ी ज़बानें, ऐसे तुम मुझे सेट से बाहर निकाल दो वरना मेरे मुंह से गंदी गंदी बातें निकल जाएंगी। हाँ, बता दो, थोड़ा सा और मुझे भेज दो भाई। Will be offended. I think you should go now. आजकल की लड़कियों के ना सेंटिमेंटल इतने हैं ना, थोड़े से जिगरा पैदा करें। नादिया वैसी बुरा मान गई आपकी बातें, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। नादिया तो कह रही कौन आ गया सेट पे? नादिया तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी क्लाइंटेल देखूंगी। कभी मतलब कभी दिल, दिल भर जाए ना दोबारा कॉल कर लेना। आप जाइए यहां से। आप मेरे गेस्ट को डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं? नहीं, मैं तो रिश्ता लेकर आ रही हूं। मैं तो जी कम्युनिटी सर्विस, दो चार लोग खड़े उनको उनको शादी करानी है। जाए आप, मैं आजकल टिंडर पे भी रिश्ते करवा रही हूं, बस आप मुझे तस्वीर भेजें। व्हाट इज टिंडर? आप बहुत शरीफ हैं, आए मुझे प्राइवेट लेसंस ले लें आप थोड़े से। एक मिनट, पैसे कितने लेती हैं आप रिश्ते कराने के? बहुत रीजनेबल, 50,000 में दो रिश्ते। ओह माय गॉड, इतना महंगा? मिसेस खान, मैं देखना चाहता हूँ आपका बटवा। बटवा देखें जी, ये देखें, मैं ये लेके घूमती हूँ, जहाँ लड़का लड़की राजी मैं अंगूठी पहना देती हूँ। इतनी प्राइवेट, इतनी जबरदस्त सर्विसेज है मेरी। क्या बात है। चलें मिसेस खान, थैंक यू वेरी मच, वेलकम, वेलकम, ओके, खुदा हाफिज, खुश रहना बच्चियों। मेरी तो हर बस यही दुआएं हैं, ऐसे लोग मुझे गालियां देते हैं, ऐसा ना आप देख लो बस। पता नहीं कहां से कौन कौन आ जाता है मेरे सेट पे यार। जनाब, हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। लाइए जी पजल, लाइए जनाब, हमारे पास मौजूद है यहाँ पे पजल, और पजल में आपको बनाना है टाइम आउट विद एहसन खान, और चंद लम्हे हैं आपके पास। नामुश्किल चीज है ये कर ले। बहुत आम सी बात है। सो गाइस एंड गर्ल्स, योर टाइम स्टार्ट्स Now, पहले दिखा तो दो कैसा है। 60 seconds, time out. Oh my God, मुझे नहीं हो रहा। Oh my God, मुझे नहीं हो रहा। यार कितना time? Yes, कैसे होगा? टी का है? क्या है? क्या है? क्या है सनम? क्या है? यार ये मुझे हेल्प करो, कैसे आएगा? गुड गुड यार, गुड। ओह, वी जस्ट हैव 40 सेकंड्स लेफ्ट। कोशिश जारी है पजल बनाने की, और देखते हैं दोनों लड़के में से कौन पजल बना पाएगी। वाह वाह वाह, क्या स्पीड है, क्या स्पीड है नादिया की, क्या स्पीड है नादिया की। फिर भी नहीं हो रहा, इसको कहीं जाना है भाई, ये बनेगा कैसे, इसको कहीं, ये हो क्या रहा है, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है। 30 seconds left. ये आ गया है, समझ नहीं आ रहा। 20 seconds left. ये हो ही नहीं सकता।7 यार ऐसी की तैसी, तफास करो, मेरा ये नहीं आ रहा। 5 4 क्या हो रहा है, 3 क्या हो रहा है, 2 अलाइनमेंट गलत है, 1 है ना। ये तो फिर बड़ा टाइम भी खत्म हो गया, डब्बे हम उठा भी लिए। हाँ भाई, ये नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा।
ओके नहीं दे रहा फजूल वेरी डिफिकल्ट चलो फिर भी नहीं बन रहा हो गया ना टाइम आउट बन गया क्यों नहीं हो रहा ये देखिए बना भी दिया यार मतलब बस यार बहुत चीटिंग होगी टाइम भी खत्म हो चुका है डब्बे में डाले और ये राउंड दोनों जीत गई जोरदार तालियां बहुत मुश्किल था आप लोग तो कहते हैं आसान सा पजल तो म्यूज़ सॉल्व मैंने नहीं उन्होंने कहा था ओह अच्छा ना दिया इतनी मुश्किल था मैं बना दिया वो ऐसे बस कह दिया था सर कॉन्फिडेंस में वैसे बड़ा अच्छा गेम था मजा आया मजा आ रहा था मजा आया एक्चुअली मैं फंस गई मुझे समझ नहीं आ रहा उसको इधर से लाओ उसको उधर से लाओ बीच में कुछ फंस जाते पहले मुझे लगा वाह यार ये तो बंदी कर लेगी कैसे बनाया है ये कैसे बनाया है जब मैंने नादिया खान को देखा वो उठा उठा के कर रही है तो मैंने कहा व्हाई नॉट मैं देखो व्हाई नॉट रिजल्ट आना चाहिए टेक्निक कुछ भी हो आपने कभी स्कूल में चीटिंग की है नादिया जी की है मैंने स्कूल में चीटिंग कराई है मैं बहुत चीटिंग कराई है की कभी नहीं ये हाँ और ऑनेस्टली मैं तो स्कूल में होता था कि कॉलेज एग्जाम हो रहे हैं तो वो सामने वाली फ्रेंड कुछ इशारा कर रही है नहीं तो उसके बाद उसने पेपर अपना फेंक दिया मेरे ऊपर कि इसको ओह माय गॉड ओह माय गॉड और रिएक्शन क्या था हाँ ऐसे था पेपर ठड़क के आया मैंने कहा अब क्या करूँ इतना डर लग रहा होता है ना बहुत चीटिंग करवाई है खुद नहीं की तुमने तो कभी चीटिंग नहीं की होगी ऐसे मुझे तो याद ही नहीं है मुझे मेमोरी का पुराना वाक्य है मुझे पुराने वाक्यात अक्सर भूल जाते हैं सनम डिलीट हो जाते हैं जी जनाब टाइम आउट विद एहसन खान में नादिया और सनम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू मे यू ऑलवेज स्टे वेरी वेरी हैप्पी और हमेशा जो है वो आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी होती रहे जाते जाते नादिया वुड यू लाइक टू से समथिंग टू योर फैंस पीपल हु आर वाचिंग यू नहीं आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर बेस्ट विशेस आपका बहुत शुक्रिया एंड कीप लविंग मी सपोर्टिंग मी फॉलोइंग मी ऑलवेज लवली सनम क्या कहना चाहोगी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं वो हमें पता है लेकिन साथ साथ नाराज भी होते हैं वो भी दिखता है बट देन अगेन कोई बात नहीं सारी नाराजगी हमने दूर की और आपके प्यार को हमने एक एक्सेप्ट किया लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ आई नो वक्त बहुत मुश्किल है लेकिन प्लीज़ ख्याल रखें बिकॉज कोविड इज़ हैपनिंग इट इज़ रियल आई नो हम लोग का काम है हम लोग को करना पड़ता है आप लोग भी करें लेकिन कोशिश करें मास्क पहने जब भी बाहर जाएं जस्ट स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी लवली थैंक यू वेरी मच और जनाब आप लोग हमारे साथ ही रहिए नेक्स्ट वीक आपसे मिलवाएंगे ज़बरदस्त मजीद जो बहुत हमारे प्यारे दोस्त हैं बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज हैं तब तक के लिए इजाजत दीजिए टेक केयर आई एम साइनिंग आउट डोंट फॉरगेट वॉच टाइम आउट विद एहसन खान I'm